हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन एकेडमी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं निखिल गोयल अपने सर्वेइंग के बहुत ही उम्दा लेक्चर में, जो जनरली मैं अपने पेड वाले स्टूडेंट को पढ़ाता हूं। जी हां, आप लोगों को वही कंटेंट, वही नॉलेज, वही लेक्चर और वही एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सर्वेइंग इंजीनियरिंग की नॉलेज देने के लिए अन एकेडमी प्लेटफॉर्म पर बन चुका हूं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सो एक छोटी सी दरख्वास्त, ये सभी पढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लाया हूं, जरा गौरपूर्वक सुनिएगा। अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए मैं अपना प्लस कोर्स लॉन्च कर चुका हूं। तो मेरे प्लस कोर्स से पढ़ने के लिए, मेरी गाइडेंस में सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, मेरी टीम से पूरी एसएससी जेई सीखने के लिए आप लोग मुझसे और मेरी फैमिली से जुड़ सकते हैं। यस, ये मेरा कोड है, एनजी लाइव मेरा कोड है। एनजी लाइव जैसे ही आप पुट करेंगे पेमेंट करते टाइम, तो आप लोगों को लास्ट में एकदम 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, एनजी लाइव मेरा कोड है, और इस सेशन को शुरू से लेकर आखिरी तक इत्मीनान से बड़े ही शिद्दत के साथ देखिएगा। जो भी कंटेंट, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूं, बहुत उम्दा तरीके से अपने दिमाग में बिठाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में उसमें से ही आने वाला है। मैं कोई ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा, एक्चुअली में मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो जाहिर सी बात है सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। तो ध्यान से, बहुत कम यूट्यूब पर इतना कंटेंट और इतनी क्वालिटी के साथ अवेलेबल है, तो ध्यान से पढ़िएगा। और साथ ही साथ भैया, पसंद आता है ना, लाइक जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। इसी तरह के वंडरफुल लेक्चर आप लोगों के लिए लाता रहूंगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, अगर आपका रिस्पांस बढ़ता है तो। मेरी गाइडेंस के लिए मेरा कोड है एनजी लाइव, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं बंधु कि हमारे लिए प्लस कोर्स क्यों जरूरी होता है। प्लस कोर्स हमारे लिए इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है वो बहुत वास्ट है, तो उस सिलेबस में से जो भी आप लोगों की सिलेक्टेड चीजें, उस सिलेबस में से जो भी आप लोगों की सिलेक्टेड चीजें हैं वो ही पढ़नी होती है हम लोगों को। सही गाइडेंस की जो जरूरत होती है वो हमें प्लस कोर्स में ही मिलती है। डेली लाइव क्लास, डेली लेक्चर्स, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, पहले से पता होता है किस दिन क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है, हर लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, और वट एवर यू आर रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम, वी आर देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। ठीक है, सो अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। याद रखेंगे एनजी लाइव कोड, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ओके। पहले की इस सेशन में क्या हो रहा है आप लोगों का, सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों, इस सेशन के अंदर कॉम्पस सर्वे होगा, लास्ट क्वेश्चन, गॉट इट। जो आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन इनकम्प्लीट रहा था, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा। दूसरी चीज, आज मैं आप लोगों को ट्रावर्स सर्वे भी कंप्लीट करा दूंगा, छोटा सा टॉपिक है। और तीसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉम्पस सर्वे और ट्रावर्स सर्वे के कुछ प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आप लोगों के गेट के क्वेश्चन है, वो गेट के क्वेश्चन डिस्कस करने बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके। ठीक है, चलो अभी, हाँ वो ही क्वेश्चन दोबारा से करा रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बार थम्स अप करेंगे, आर यू गेटिंग माई वॉइस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आर यू गेटिंग एवरीथिंग करेक्टली, थम्स अप करेंगे क्या, सब कुछ बढ़िया से आ रहा है। ओके, सो अभी बात आती है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन किधर था। चले, अभी क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके का दे रखा था लेडीज एंड जेंटलमैन, उस क्वेश्चन की तरफ जरा आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से यू दैट क्वेश्चन इज गिवन टू यू लाइक, पहला सर माय फर्स्ट क्लास है बहुत, अभी ड्यूटी है सर 4 बजे से। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लिया करो, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके का दे रखा था, आपके पास ट्रावर्स है और वो ट्रावर्स में आप लोगों को ए बी बी सी सी डी डी ए यही गिवन था, डी ई और ई ए ये गिवन था, और आप लोगों को फोर बियरिंग वहां का गिवन था 190 डिग्री 30 मिनट, फर्दर आप लोगों को बैक बियरिंग उसका गिवन था 17 डिग्री, फोर बियरिंग आप लोगों को अगली लाइन का गिवन था 73 डिग्री 30 मिनट, और उसके अगली लाइन का बैक बियरिंग आपको गिवन था 250 डिग्री 30 मिनट।
उससे अगली लाइन का फोर बियरिंग आपको गिवन था 36 डिग्री 45 मिनट, और उससे अगली लाइन का आपको गिवन था यहां पर 214 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अभी आप लोगों को यहां पर एक मिनट का सफर करेंगे, थोड़ा डाटा मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, एक मिनट के लिए। बैक बियरिंग ऑफ डी इज DE का फोर बियरिंग आपको ओरिजिनल डाटा जो गिवन है वो आपको गिवन है 266 डिग्री 45 मिनट। थोड़ा सा डाटा में प्रॉब्लम हो सकता है, बट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, कंसेप्ट को समझना, डाटा में थोड़ी गलती आ सकती है बट वो प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, कोशिश कर रहा हूं कि बढ़िया डाटा दे दूंगा। और इसका बैक बियरिंग आपको गिवन है 84 डिग्री 45 मिनट। इसका बैक बियरिंग आपको गिवन है 84 डिग्री 45 मिनट। And when you comes to the point A, then it's given, bearing is given to you as four bearing. Iska four bearing given hai 234 degree 15 minute. Iska back bearing aapko given hai yahan par 57 degree. Theek hai, ye original data hai jo aap logo ko diya hai. Got it? Abhi meri baat aati hai yahan se, awaaz aa rahi hai na? Awaaz aa rahi hai? Abhi baat aati hai yahan se. कि आप लोगों को सबसे पहले क्या चेक करना होता है, आप लोगों को चेक करना होता है यहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कि आपके पास टोटल सारे करेक्टेड स्टेशन है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू चेक सर डीई क्या है फोर बियरिंग। ये रहा मैं डीई का फोर बियरिंग टोटल आपको गिवन है 266 डिग्री 45 मिनट। आज पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा क्योंकि कंप्रोमाइज करिएगा, ठीक है ना। 266 डिग्री 45 मिनट आप लोगों को फोर बियरिंग गिवन है। अभी बात को क्लियर करना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक देखिए यहां पर कोई लोकल अट्रैक्शन से फ्री है कि नहीं है। मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं यहां पर कि नो स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ये आपको पता है, नो स्टेशन इज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को क्वेश्चन करवाया था उसमें एक स्टेशन आप लोगों का लोकल अट्रैक्शन से फ्री था, बट ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि लोकल स्टेशन कोई भी फ्री नहीं है। तो लोकल स्टेशन कोई भी आप लोगों का फ्री नहीं है लोकल अट्रैक्शन से, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। अब क्वेश्चन टाइप आया है कि जब कोई भी फ्री नहीं होता तो किस तरह से करते हैं, कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझिएगा, वो चीज जरूरी है आप लोगों के लिए। अभी बात आती है यहां पर अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा आई एम सेइंग दैट कि कोई भी स्टेशन फ्री नहीं है। मुझे पता है यहां से सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर यहां पर कोई भी स्टेशन फ्री नहीं है तो हर किसी का एंगल 180 से परे आएगा। बट आई एम सेइंग दैट इफ ऑल द स्टेशन, अगर मैं मानता हूं कि सारे स्टेशन, सारे के स्टेशन टोटल लोकल स्टेशन से फ्री है, आर फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, अगर सारे के सारे स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री आते हैं तो आपको पता है यहां से लेडीज एंड जेंटलमैन की डिफरेंस 180 डिग्री रहता है बैक बियरिंग और फोर बियरिंग का। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, पहला ही स्टेटमेंट मैं लिखता हूं कि बैक बियरिंग ऑफ ए बी, अगर मैं यहां से लिखता हूं तो मैं लिखूंगा कि फोर बियरिंग ऑफ ए बी में से अगर मैं 180 डिग्री माइनस करता हूं तो बैक बियरिंग आनी चाहिए, है ना। मैंने कहा फोर बियरिंग ऑफ ए बी आपको गिवन है 190 डिग्री 30 मिनट, तो यहां पर आपको, आप यहां से लिख सकते हैं 190 डिग्री 30 मिनट। 190 नहीं है, ये 195 है भाई, डाटा में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए मैं कह रहा हूं कि डाटा करेक्ट करते हुए साथ के साथ चलना, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, मेरे से गलत लिखा गया। 195 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, ये गिवन है। तो आपने कहा 195 डिग्री 30 मिनट में से अगर मैं अपने 180 डिग्री माइनस करता हूं तो मेरे पास बचता है 15 डिग्री 30 मिनट। लेकिन आपको गिवन क्या है, आपको गिवन बैक बियरिंग कितनी है ए बी की, वो है आप लोगों के पास 17 डिग्री। सो यू कैन से दैट कि वहां पर एरर आ रहा है। कितना एरर आ रहा है, आपने कहा 1 डिग्री 30 मिनट का एरर आ रहा है। सो करेक्शन कितनी होगी आपकी, करेक्शन कितनी जा रही है वहां पर, -1 डिग्री 30 मिनट की करेक्शन जा रही है आपके अकॉर्डिंग, ऐसा होगा। सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे यहां से, आप यहां से लिखने वाले हैं बैक बियरिंग ऑफ ए बी के बाद आता है बी सी, वो क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ बी सी में से अगर मैं 180 डिग्री माइनस कर देता हूं
भाई प्लस कर दूंगा क्योंकि ये 180 से कम है ना. व्हेन आई विल बी गोइंग टू ऐड 180 डिग्री इन इट देन आई विल बी गोइंग टू गेट इट एज लाइक दिस. मैंने कहा आप लोगों को 73 डिग्री 30 मिनट में जब मैं 180 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहां से. आई विल गेट इट एज 253 डिग्री 30 मिनट. बट गिवन कितनी है आप लोगों को, आप लोगों को गिवन बैक बियरिंग कितनी है बीसी की, आप टेबल में देखेंगे 250 डिग्री 30 मिनट. यानी आपने कहा गिवन है 250 डिग्री 30 मिनट तो करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी, बढ़ाना पड़ेगा यानी 3 डिग्री से आपको ये बढ़ाना पड़ेगा. सिमिलरली लेडीज एंड जेंटलमैन आप क्या करने वाले हैं, आप यहां पर लिखने वाले हैं कि बैक बियरिंग ऑफ बीसी के बाद क्या आता है सीडी, वो क्या होगा फोर बियरिंग ऑफ सीडी प्लस में 180 डिग्री. प्लस है कि माइनस है वो तो पता है ना आपको, जब फोर बियरिंग 180 से कम होती है तो प्लस कर दे, 180 से ज्यादा होगी तो माइनस करेंगे. मैंने कहा यू विल बी गोइंग टू सब्ट्रैक्ट तो सॉरी एडिशन, तो मैंने कहा व्हाट वी विल गोइंग टू ऐड दिस 36 डिग्री 15 मिनट में 180 डिग्री प्लस कर देता हूं और मेरे पास क्या निकल कर आ रहा है यहां से 216 डिग्री 15 मिनट. लेकिन ओरिजिनल गिवन कितनी है आप लोगों को, गिवन बैक बियरिंग कितनी है आप लोगों की, यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे 214 डिग्री 30 मिनट है. तो आपने कहा 214 डिग्री 30 मिनट है तो वहां जाहिर सी बात है कि करेक्शन होगा. अब ये करेक्शन कितना हो रहा है आप लोगों का जल्दी से माइनस करके बताना, 1 डिग्री 45 मिनट का जा रहा है ना, कितना जा रहा है जल्दी से मुझे बताएंगे. 1 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन जा रहा है यानी इतना बढ़ाना पड़ेगा. अब आगे की बात करता हूं, आपने ए बी की करेक्शन निकाल ली, बीसी की निकाल ली, सीडी की निकाल ली. सिमिलरली मैं लिख देता हूं कि करेक्शन फॉर सीडी या फिर डायरेक्ट कर लो. चलो बैक बियरिंग ऑफ डीई कितना होगा, फोर बियरिंग ऑफ डीई प्लस 180 डिग्री. अभी प्लस आएगा कि माइनस आएगा जल्दी बताएंगे भाई. डीई का फोर बियरिंग 266.45 है, प्लस आएगा कि माइनस आएगा जल्दी बताएंगे, माइनस आएगा. ठीक है, क्यों 180 से ज्यादा है तो आपने क्या करा माइनस लगा दिया. तो अभी बात आती है 266 डिग्री 45 मिनट उसमें से 180 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मुझे यहां पर 86 डिग्री 45 मिनट, ये बच रहा है. गिवन कितना है आप लोगों को, गिवन बैक बियरिंग कितना है, गिवन है आप लोगों को 84 डिग्री 45 मिनट. सो करेक्शन कितनी हो गई आप लोगों की यहां पर, करेक्शन कितनी हो गई 2 डिग्री की. ठीक है ना. सिमिलरली व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड, सर इस क्वेश्चन में कैसे पता कि एफ बी सारा सही है, वो तो चेक किया ना. धर्मेंद्र बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है. मैं जस्ट क्या कर रहा हूं अभी, मैं हर बियरिंग के बीच का एरर निकाल रहा हूं, मैं हर बियरिंग के बीच का एरर निकाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा. ठीक है, मैंने कहा कि सब कुछ सही है, किसी एक को दूसरे से माइनस करूंगा तो 180 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि एरर है. तो मैं सिर्फ एरर और करेक्शन निकाल रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा. अभी मैंने किसी को सही गलत नहीं माना, ठीक है ना. मैं जस्ट एरर और कितनी करेक्शन की जरूरत है वो निकाल रहा हूं. मुझे नहीं पता अच्छा अभी कौन सही है कौन गलत है. ठीक है धर्मेंद्र. अभी बात आती है कि वेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बियरिंग ऑफ ई ए, बैक बियरिंग ऑफ ई ए क्या होगा, फोर बियरिंग ऑफ ई ए प्लस में फोर बियरिंग ऑफ ई ए ये हाँ माइनस में 180 डिग्री. तो फोर बियरिंग ऑफ ई ए आपको गिवन है 234 डिग्री 15 मिनट, 180 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 54 डिग्री 15 मिनट. थोड़ा ना समझने का प्रयास करना, अगर तुम लोग हार मान लोगे तो इस तरह का क्वेश्चन 30 नंबर का एसएससी मेंस 2018 में आया था, दिमाग के तोते उड़ गए थे. 30 नंबर का क्वेश्चन था तो समझ कर चलना अच्छा रहेगा. अभी गिवन बैक बियरिंग कितना है आप लोगों का, गिवन बैक बियरिंग है 57 डिग्री. तो करेक्शन कितनी लगाओगे आप लोग, करेक्शन आप लोग कितनी लगाओगे यहां पर 2 डिग्री 45 मिनट का करेक्शन नेगेटिव पे लगेगा ही लगेगा. अब मेरी बात को समझना,
आप लोगों ने हर स्टेशन पे लगने वाले एरर को कैलकुलेट करें, यू डोंट नो कि आपके पास अभी ये करेक्ट है कि नहीं है, आपको नहीं पता। लेकिन एक चीज मेरी कॉमन सेंस मुझे कहती है कि एक एरर मेरे पास आ रहा है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए, इसमें एरर कितना आ रहा है मेरा, पहले मेरे पास एरर आ रहा है 1 डिग्री 30 मिनट का, मैंने कहा 1 डिग्री, मैं ऊपर क्या लिखा हूं, एरर लिखा हूं, ठीक है ना, 1 डिग्री 30 मिनट का एरर था। बीसी में मेरे पास एरर कितना आ रहा है, -3 डिग्री का। सीडी में कितना एरर आ रहा है मेरे पास, -1 डिग्री 45 मिनट का, ठीक है। सिमिलरली डीई में कितना एरर आ रहा है मेरे पास, -2 डिग्री का, और ईए में कितना एरर आ रहा है, 2 डिग्री 45 मिनट। आपकी कॉमन सेंस आपको कहती है कि इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रिड्यूस दैट एरर जो कि आप लोगों का सबसे कम है, जो कि आप लोगों का सबसे कम एरर है उसको आप आसानी से रिड्यूस कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला यहां पर कि एरर इन ए बी कैन बी रिड्यूस वेरी इजीली। आपकी जो ए बी में एरर है वो आप लोगों का सबसे जल्दी रिड्यूस किया जा सकता है, कैन बी रिड्यूस इजीली। व्हाई, क्योंकि आपको पता है ये जो एरर आपके पास आया है ये सबसे कम है, तो सबसे कम वाला एरर सबसे ज्यादा जल्दी कम किया जा सकता है। थम्स अप करेंगे, छोटी सी बात दिमाग में घुसी हो, है ना। अब एक और बात समझना, ये नोट करके आप लोग लिख लो, बड़े काम की बात है आप लोगों के लिए, कि जो भी आप लोगों का एरर आता है वो हमेशा बियरिंग में आता है, लेकिन कभी भी आप लोगों का एरर इंक्लूडेड एंगल में नहीं आता। देयर इज नो एरर इन इंक्लूडेड एंगल। आप लोगों का इंक्लूडेड एंगल में कोई भी एरर कभी भी नहीं आता, इंक्लूडेड एंगल हमेशा आप लोगों के लोकल अट्रैक्शन से फ्री रहते हैं। लोकल अट्रैक्शन बियरिंग में एरर देता है लेकिन इंक्लूडेड एंगल में कभी नहीं देता, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं लिखवा रहा हूं ये चीज, आप लोग लिख लो, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। इंक्लूडेड एंगल ऑलवेज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, ऑलवेज फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन, इन पे लोकल अट्रैक्शन का कोई इफेक्ट कभी भी नहीं होता। आगे की बात को क्लियर करेंगे, जब इंक्लूडेड एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता तो आप लोग यहां से एक चीज तो कह सकते हो, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल ई ये सब निकाल सकते हो। मैंने कहा इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एंगल ए देन हाउ विल यू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रावर्स ड्रॉ कर लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। अभी मेरी बात को समझना, आप लोगों का जो ट्रावर्स बनेगा ना अप्रोक्सीमेटली वो कुछ ऐसा बनेगा, आप लोगों का जो ट्रावर्स बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऐसा और ऐसा, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी, ये है डी और ये है ई, इस तरह का कुछ ट्रावर्स बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। आपने कहा अगर आप लोग अपना एंगल ए निकालना चाहते हो, अगर मैंने कहा ये जो एंगल ए है इसको बोला जाता है इंक्लूडेड एंगल, तो मैंने कहा इफ यू वॉन्ट टू फाइंड इंक्लूडेड एंगल ए, अगर आप लोग इंक्लूडेड एंगल ए निकालना चाहते हो तो आप कैसे करोगे। आपको पता है यहां पर प्यारे दोस्तों, इसमें से अगर मैं ये पूरी बियरिंग निकालता हूं अपने AE की, अगर मैंने अपने AE की बियरिंग निकाली तो वो इतनी आएगी, अगर मैंने अपनी AB की बैक बियरिंग निकाली तो वो इतनी आएगी। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बैक बियरिंग ऑफ AB, सॉरी फोर बियरिंग ऑफ AB, फोर बियरिंग ऑफ AB में से अगर मैं अपनी बैक बियरिंग ऑफ AB माइनस कर देता हूं, मेरी बात को समझना यहां से, मैंने कहा कि फोर बियरिंग ऑफ ए बी में से अगर मैं अपनी फोर बियरिंग ऑफ ए ई माइनस कर देता हूं, इस तरह से फॉर्मूला बन सकता है, मेरी बात को समझ रहे हैं आप लोग जो भी कह रहा हूं मैं, मेरी बात को समझ रहे हैं जो भी कह रहा हूं। अगर आप लोगों को एंगल ए निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे, ए बी की फोर बियरिंग में से अगर आप लोग अपने ए ई की फोर बियरिंग को माइनस कर देते हैं तो आप लोगों के पास क्या हो रहा है, यहां पर एंगल आ रहा है। या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं बैक बियरिंग ऑफ ए ए,
मैंने कहा बैक बियरिंग ऑफ ई ए माइनस करूंगा तो एंगल ए आ जाएगा. ओके व्हाट इज द फोर बियरिंग ऑफ ए बी कैन यू टेल मी दैट इज 195 डिग्री 30 मिनट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. और बैक बियरिंग ऑफ ई ए कितना है. बैक बियरिंग ऑफ ई ए आप लोगों को गिवन है 57 डिग्री. तो आप लोगों ने क्या लिखा यहां से बैक बियरिंग ऑफ ई ए आप लोगों का टोटल 57 डिग्री आएगा. तो माइनस करा यहां से और एंगल ए मेरे पास आ गया है प्यारे दोस्तों सॉल्व करने के बाद 138 डिग्री 30 मिनट. सिमिलरली आप यहां पर लिखने वाले हैं इंक्लूडेड एंगल बी. अगर आपके पास इंक्लूडेड एंगल बी की बात चलती है इसका फॉर्मूला क्या होगा. मैंने कहा इंक्लूडेड एंगल बी का फॉर्मूला होगा बीसी में से अगर मैं अपनी बी ए को माइनस कर देता हूं बीसी में से बी ए को माइनस करूंगा तो मेरे पास इंक्लूडेड एंगल आएगा. तो मैंने क्या लिखा यहां पर इंक्लूडेड एंगल इंक्लूडेड एंगल के लिए प्रीवियस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज से भी मेजर कर सकते हैं क्या भाई करके देख लेते हैं. अभी एक मिनट में ये लिख लेता हूं फिर करते हैं. तो मैंने क्या कहा इसमें से मैं लिखने वाला हूं फोर बियरिंग ऑफ बी सी उसमें से अगर मैं बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस कर देता हूं तो मेरा एंगल आ जाएगा. फोर बियरिंग ऑफ बी सी मेरे पास कितना आ रहा था 73 डिग्री 30 मिनट उसमें से बैक बियरिंग ऑफ ए बी कितना आ रहा था मेरे पास 17 डिग्री. व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 56 डिग्री 30 मिनट. ठीक है अब शैलेश सोनी का क्वेश्चन आया यहां पर. शैलेश सोनी ने बोला कि इंक्लूडेड एंगल के लिए अगर प्रीवियस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज से भी मेजर कर सकते हैं कि नहीं. शैलेश सोनी ये हम इसलिए मना कर रहे हैं आपको कि आपको पता है कि यू आर ओनली एंड ओनली हैविंग द बियरिंग और बियरिंग हमेशा क्लॉकवाइज चलती है बियरिंग एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती. सो ऐसा नहीं कहूंगा कि कर नहीं सकते कर तो कैसे भी सकते हो बट एक प्रोसीजरल जो व्यू है वो यही है कि यू हैव टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिकॉज देयर इज ओनली बियरिंग और बियरिंग क्लॉकवाइज होती है. ठीक है ऐसा नहीं कहूंगा कर नहीं सकते बट एक प्रोसीजरल व्यू के टाइम पर आप यही कहोगे कि नहीं कर सकते सर्वे में नहीं कर सकते. ठीक है चलिए अभी बात आती है यहां पर यह आगा सिमिलरली आप लोग क्या लिखेंगे एंगल सी क्या होगा यहां से फोर बियरिंग ऑफ किसकी एंगल सी के लिए क्या लिखूंगा फोर बियरिंग ऑफ व्हाट. अभी देखो फॉर्मूला चेंज हो गया नहीं आप एक बार रिफ्रेश करो सही हो जाएगा. आपका फॉर्मूला चेंज हो गया यहां से आपको एंगल सी निकालना है एक एंगल आपका आएगा ये और एक एंगल आपका आएगा ये तो दो एंगल हो गए यहां पर. हाउ विल यू फाइंड इट. हाँ एंटी क्लॉकवाइज में एक्सटीरियर एंगल आता है. हाउ विल यू फाइंड इट. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन बात को समझिएगा यहां से आपको एक चीज तो पता है इस एंगल को आप लिख सकते हो कि दैट इज द फोर बियरिंग ऑफ दैट इज व्हाट दैट इज द फोर बियरिंग ऑफ व्हाट फोर बियरिंग ऑफ सी ए. और अगर मैं एक और एंगल यहां से निकाल रहा हूं मैंने कहा ये पूरा घुमा के अगर मैं यहां तक लेता हूं That is the four bearing of CB, back bearing of BC. अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको ऐसा लिख देता हूं कि एंगल C कमरा यहां लिख देता हूं एंगल C इज इक्वल्स टू में मैंने यहां पर लिखा कि बैक बियरिंग ऑफ BC में से अगर मैं फोर बियरिंग ऑफ CD माइनस कर रहा हूं मेरी बात को समझना तो आपके पास ये क्या आ रहा है इसको पूरे को 360 से माइनस कर दो. देखो पूरे ऑरेंज पार्ट में से बैक बियरिंग ऑफ बीसी में से येलो पार्ट माइनस कर दो तो बाहर का एंगल आ जाएगा ये वाला एंगल आपके पास आएगा और 360 में से इस एंगल को माइनस करूंगा तो अंदर वाला एंगल आ जाएगा. समझ में आया आप लोगों को. तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल गेट एंगल सी इज इक्वल्स टू में 145 डिग्री 45 मिनट 145 डिग्री 45 मिनट. सिमिलरली एंगल डी की बात अगर मैं करता हूं ये वाला एंगल तो कैसे निकालने वाला हूं मैं ये वाला एंगल ये आ रही है एक बियरिंग डीसी और ये पूरा मेरे पास घूम के इसके बाद मेरे पास आ रहा है यहां पर डीई. तो आपने क्या लिखा आपने लिखा यहां से कि फोर बियरिंग ऑफ डीई में से अगर बैक बियरिंग ऑफ सी डी माइनस कर देता हूं तो एंगल डी आता है. ठीक है अभी तुम लोगों का सॉल्व करने के बाद एंगल डी आ रहे हैं 52 डिग्री 15 मिनट. सिमिलरली एंगल ई सॉल्व कर लोगे आप लोग और एंगल ई सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं 149 डिग्री 30 मिनट. अब मुझे एक बार ही थम्सअप करके बताओ यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना. थम्सअप करके बताएंगे
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? एक एक एंगल आप लोगों को निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंगल अच्छे से निकालते हैं तो आप सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आगे मेरी बात आती है यहां पर, एक छोटा सा नोट करके लिखना, बड़े काम का नोट बताता हूं मैं आप लोगों को। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वो नोट क्या कहता है कि टोटल इंक्लूडेड एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स। सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स का फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ठीक है। और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स का सम होता है आपके पास एन प्लस टू इंटू 180 डिग्री। अभी मैंने कहा कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ एन, वेयर एन इज नोन टू बी एज द नंबर ऑफ साइड्स। एन क्या है, एन आप लोगों का नंबर ऑफ साइड्स है, तो ये फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। आगे की बात अगर मैं करता हूं, सर इंक्लूडेड एंगल हमेशा इंटरनल होता है, यस हमेशा इंटरनल होता है। 146 15 सॉल्व करने के बाद 149 आ रहे हैं, यहाँ पर 149 30 लिखा है, ठीक है। अभी बात को समझना, एन कितना है, एक दो तीन चार और पांच, पांच एन है आपके पास। आपने क्या लिखा यहां पर कि टोटल सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स आपके पास होगा पांच माइनस में दो इंटू 180, यानी 18 3 54, यानी 540 डिग्री आना चाहिए था। बट आप यहां से कहोगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी और एंगल ई, ये पांच एंगल अगर आप ऐड करते हो ना, तो ये पांच एंगल का सम आपके पास टोटल आ रहा है 542 डिग्री 30 मिनट, ये आ रहा है। सो आई कैन से दैट देयर इज टोटल एरर इन एंगल, तो एरर आ रहा है टोटल सम में, एरर आ रहा है एंगल्स में कितना, 2 डिग्री, कितने का, 2 डिग्री 30 मिनट का। आई कैन राइट इट एज इट इज इक्वल टू 150 मिनट। मैं क्या करता हूं यहां पर, ये एंगल किस कारण से आ रहा है, क्योंकि आपकी जितनी भी लाइंस हैं वो ढंग से करेक्टेड नहीं है, हर लाइन में लोकल अट्रैक्शन था, हर लाइन की बियरिंग में एरर था, जिसके कारण लाइंस की वजह से ये एंगल बन रहा है, तो एंगल भी गलत होगा। तो पहले एंगल को सही कर लो। अब आपको समझ आ चुका है थोड़ा बहुत कि बियरिंग की वजह से लाइन की डायरेक्शन गलत थी, और लाइन के डायरेक्शन की गलत होने की वजह से उनके बीच का एंगल भी गलत था, और जब एंगल गलत है तो मैं एंगल को सही कर देता हूं तो फिर लाइन भी सही हो जाएगी। आप लोगों को ओवरव्यू समझ आ चुका है। हाउ विल यू करेक्ट दैट एंगल, आई कैन से दैट जो भी एरर आ रहा है उस एरर को पांच एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। मैंने कहा टोटल करेक्शन कितनी लगने वाली है, करेक्शन इन ऑल एंगल्स वो कितनी लगेगी, यहां पर मैंने कहा माइनस 150 डिग्री की, तो करेक्शन इन वन एंगल कितना हो जाएगा, आई एम सेइंग दैट 150 मिनट को 5 से डिवाइड कर देता हूं, दैट इज 30 मिनट का। सो अब आप लोगों को समझ आ चुका है कि यार आपकी जो करेक्शन लग रही है दैट इज इक्वल टू माइनस 30 मिनट इन वन एंगल। सो आई कैन राइट इट एज कि करेक्टेड एंगल्स कितने होंगे, अभी करेक्टेड एंगल्स वो कितने आएंगे आप लोगों के, आपने कहा कि एंगल ए आप लोगों का जो भी आ रहा था करेक्ट करने के बाद 138 डिग्री 30 मिनट में से 30 मिनट माइनस कर दो, आपके पास यहां पर आ जाएगा 138 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली आपने कहा एंगल बी आपका करेक्टेड कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, 56 डिग्री। एंगल सी आपका आ जाएगा 145 डिग्री। एंगल डी आप लोगों का आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, दैट इज 51 डिग्री 45 मिनट, और यहाँ 15 मिनट भी आएगा। सिमिलरली एंगल ई आप लोगों का सॉल्व करने के बाद करेक्टेड आ रहा है 149 डिग्री। तो अभी आप जब सबका सम करोगे ना तो माइनस क्यों आया, देखिए आपको पता है आपका एरर तो ज्यादा आ रहा है, आपके टोटल एंगल ज्यादा आ रहे हैं तो आपको कम करने पड़ेंगे, कम करने की वजह से करेक्शन नेगेटिव लगा दिया। समझ आया आपको सैफुल आलम, समझ आया कि नहीं आया, साउंड नहीं गूंज रही दीपक, सब कुछ सही आ रहा है, आप अपना नेट रिफ्रेश करिए एक बारी, साउंड सही है। तो मैंने कहा टोटल एंगल का सम आप लोगों ने निकाल लिया और टोटल आप लोगों का आ चुका है। अब मेरी बात को समझना, आपने बियरिंग की मदद से एंगल निकाला था, अब आपको पता है कि आप एंगल की मदद से बियरिंग निकाल सकते हो, बट कैसे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो आपका मिनिमम एरर है, सर सी 145 कैसे आ रहा है, देख लेते हैं,
एंगल सी पहले 145 डिग्री 45 मिनट का, तो 145 डिग्री 15 मिनट आ रहे हैं, 30 माइनस कर दिया ना, 30 माइनस कर दिया मैंने पंकज पाल, हो चुका है। अब मेरी बात को समझना, आपके पास अलग अलग बियरिंग्स में अलग अलग एरर्स थे, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज वेरी इजी फॉर मी टू रिड्यूस दैट मिनिमम एरर। तो मैं कहूंगा एरर इन एबी जो आ रहा था वो आप लोगों का आ रहा था 1 डिग्री 30 मिनट का। वो पता है 1 डिग्री 30 मिनट का मतलब होता है 90 मिनट। ये सबसे इजीली रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि ये सबसे कम है। सो आई विल से दैट दिस एरर विल बी गोइंग टू, दिस एरर विल डिस्ट्रीब्यूट और डिवाइड इक्वली, दिस एरर डिवाइड इक्वली अमंग टू स्टेशंस। आप लोगों का ये एरर दो स्टेशंस में बिल्कुल इक्वली डिवाइड होने वाला है। तो कैसे कैसे जाएगा यहां से, मैंने कहा 90 अपॉन में 2, दैट इज इक्वल टू 45 मिनट ऑन ईच स्टेशन। हर स्टेशन में 45 मिनट की बियरिंग का एरर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो टोटल बियरिंग कितनी हो जाएगी, मैंने कहा टोटल फोर बियरिंग ऑफ ए बी कितना हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। पहले कितना गिवन था मुझे क्वेश्चन में, मुझे गिवन था एक मिनट, क्वेश्चन में मुझे यहां पर गिवन था 195 डिग्री 30 मिनट, उसमें 45 ऐड कर देता हूं तो टोटल बियरिंग कितनी आ जाएगी आपकी, जल्दी से मुझे बताएंगे। 145 डिग्री 30 मिनट में आप 45 और ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 195 था 45 नहीं था, हाँ 195 में 30 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 डिग्री 15 मिनट। ये आप लोगों का टोटल 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 फोर बियरिंग आ चुका है एबी का। अब आपको एक चीज तो पता है, देखो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो करेक्ट मानना पड़ेगा। अगर आप किसी को भी करेक्ट नहीं मानते हो तो फिर आप करेक्ट का सहारा नहीं ले सकते। ये सबको पता है कि हमें एक रास्ते पर चलने के लिए, एक आप आईएएस की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप पहले से मान के चलते हो कि आप आईएएस बन सकते हो, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग फॉर दैट। तो आपको एक चीज का सहारा लेना पड़ता है, या तो आप अपनी सोच का सहारा लो या किसी की मोटिवेशन का सहारा लो, मतलब एक पॉजिटिविटी का सहारा लेना पड़ेगा तभी आप उस रास्ते पर एक कदम बढ़ा पाओगे। ये जाहिर सी बात है, दैट इज द नेचुरल फिनोमेना। सो दिस आल्सो अप्लाइज इन द इंजीनियरिंग कि अगर आपको करेक्ट वे पर चलना है सो यू नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ एनी ऑप्टिमिज्म, किसी करेक्ट चीज का सहारा लेना पड़ेगा। आई एम सेइंग दैट कि मैं आंख बंद करके करेक्ट चीज नहीं मान सकता, वो करेक्ट चीज भी मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मानूंगा, जो सबसे कम एरर वाली होगी मैं कहूंगा उसको करेक्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो यू कैन से दैट कि आप एक करेक्ट मान के चलते हो, आपने कहा ए बी में एरर सबसे कम था, आपने एरर को और भी कम कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटेड कर लिया। वही मैं समझा रहा हूं मानसी, वही मैं समझा रहा हूं। आप कह रहे हैं यहां पर कि आप एरर को कम करेंगे तो करेक्शन अप्लाई कर दोगे डायरेक्ट, नहीं, आपने क्या करा है मेरी बात को ना समझने का प्रयास करना। ये कॉमन सा है कि आप लोगों का एरर है तो उसको कम करने के लिए आप करेक्शन करते हो, बट वो करेक्शन जब अच्छी रहती है, जब आपको पता है कि वो स्टेशन एकदम सही है। नहीं नहीं नहीं, आप यहां पर कह के चलते हो कि आप जिस स्टेशन को सही मान रहे हो ना, आंख बंद करके उस स्टेशन पे विश्वास नहीं कर सकते। आपको पता है आप कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करते हो, यू आर जस्ट सपोर्टिंग द ऑप्टिमिज्म, लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं कर रहे। हम डिजाइन जो करते हैं या कोई भी इंजीनियरिंग वर्क करते हैं वो वर्स्ट केस के लिए करते हैं, उससे गंदा कुछ नहीं हो सकता। मेरे इंजीनियर होने का मतलब, मैं एक बिजनेसमैन भी हूं और बिजनेसमैन का बहुत खास पॉइंट होता है कि वो अपने बेटे अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करता। बिजनेसमैन अपने उसूलों पर चलता है, और दुनिया का हर महापुरुष इतिहास गवाह है, जो भी निकला है उसने अपना रास्ता खुद बनाया, दूसरों पर विश्वास नहीं करा। विश्वास करता है लेकिन आंख बंद करके विश्वास नहीं करता, काम करता है लेकिन अपने उसूलों से करता है। आप देखिएगा ये फैक्ट है। तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं कि मैं उसको करेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको और बिगाड़ रहा हूं, और बिगाड़ने के बाद उसी रास्ते पर चल रहा हूं ताकि लास्ट में, मतलब मैंने कर दिया, फिर आई विल चेक कि ये वर्स्ट केस में अगर एरर देता है तो कितना देता है। अगर बिल्कुल नहीं देता तो दैट इज ओके फॉर मी, अगर देता है तो बिल्कुल वर्स्ट केस में उतना एरर दे रहा है, यानी ओके कंडीशन पे काम आ सकता है।
तो मैं एरर को करेक्ट नहीं कर रहा, मैं एरर को डिवाइड कर रहा हूं, यानी एरर वाले से ही चल रहा हूं और एरर वाले के थ्रू ही डिजाइन कर रहा हूं। अब तुम्हारा ये कहना होगा कि सर अगर एरर वाले से डिजाइन करते हो तो आगे की सारी चीजें गलत होती चली जाएंगी। नहीं, डिजाइन का मतलब ही ये होता है कि मैं अगर एरर वाले को लेकर चलता हूं तो मैं आगे की चीजों को करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैंने करेक्ट नहीं करा इसको, मैंने एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अरे दोस्तों बताओ यार, आप लोग थोड़ा बहुत आया ना। तो अभी मेरी बात आती है कि मेरे अकॉर्डिंग ये जो फोर बियरिंग है दैट इज द करेक्टेड। आई एम सेइंग दैट कि अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट यू नीड टू फाइंड। अब आपको एक चीज को पता है कि आप इस फोर बियरिंग की मदद से, इंक्लूडेड एंगल की मदद से आगे की बियरिंग निकाल सकते हो। कैसे? आप लोगों को सब कुछ पता लग चुका है यहाँ पर। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो आप लोगों को समझ में आई कि आप लोगों की करेक्टेड फोर बियरिंग आ गई। आप यहाँ से लिख सकते हैं कि करेक्टेड बैक बियरिंग कितनी होगी एबी की, करेक्टेड बैक बियरिंग ऑफ एबी कितना होगा। मैंने कहा 196 डिग्री में से 180 माइनस कर देता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल 16 डिग्री 15 मिनट। यानी अब समझ में आ चुका है कि जो आप पहले 17 डिग्री पढ़ रहे थे, जो आप लोगों को क्वेश्चन में पहले 17 डिग्री दे रखा था वो गलत था। इसकी जगह करेक्ट होने पर 16 डिग्री 15 मिनट मेरे पास आ रहा है। ये है मेरा एक्चुअली 15 है कि 30 है, 15 मिनट करेक्टेड आ रहा है। समझ आया आपको? अब हम आगे का किस तरह से काम करने वाले हैं सबको पता है, इंक्लूडेड एंगल की मदद से काम चलेगा। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों को एक चीज तो पता है कि करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ बीसी कैसे निकालोगे। मैंने कहा फोर बियरिंग ऑफ बीसी के लिए आप लोग ऐसा लिख सकते हैं यहां पर, फिगर को देखना जरूरी है क्या? चलो मैं दिखाता हूं एक मिनट। ये था, अभी आपको ये निकालना है। आपको क्या पता है? आपको बैक बियरिंग ऑफ एबी पता है। आपको बैक बियरिंग ऑफ एबी का मतलब है आपको ये वाला पोर्शन पता है। अगर उस वाले पोर्शन में मैं एंगल प्लस कर देता हूं तो मेरे पास फोर बियरिंग आ जाएगा बीसी का। इस तरह से अब मैं प्रोसीड करने वाला हूं। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा यहां पर फोर बियरिंग ऑफ बीसी होगा बैक बियरिंग ऑफ एबी। मैं अगर मैं एंगल बी को प्लस कर देता हूं मेरे पास फोर बियरिंग ऑफ बीसी आ जाएगा। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट, आई विल गेट इट एज टोटल 16 डिग्री 15 मिनट में 56 डिग्री प्लस कर दो, प्लस 56 डिग्री प्लस कर देता हूं, आई विल गेट इट एज व्हाट, आई विल गेट इट एज टोटल 72 डिग्री 15 मिनट। सो अभी बैक बियरिंग ऑफ बीसी कैसे आएगा? 180 डिग्री प्लस कर देता हूं, 72 डिग्री 15 मिनट में 180 डिग्री मैंने प्लस करा, आई विल गेट इट एज टोटल 252 डिग्री 15 मिनट। गॉट इट और नॉट? समझाओ जल्दी से, ये चीज आई कि नहीं आई? Now what you have to do, you need to find four bearing of CD. What is this? This is angle C plus back bearing of BC. So अभी यहां से आपने क्या करा? CD में problem आया। सुनो, ये figure था, आप लोगों को निकालना क्या है? CD. CD के लिए आप क्या करेंगे? भाई आपको पता है total angle C है आपके पास। उस एंगल सी में से आप लोगों को एक चीज तो पता है, आपने देखा था पहले 360 में से माइनस करके आप लोग निकाल रहे थे ना एंगल सी को। अब मैं वापस से उसी फॉर्मूले पर आऊंगा। मैंने यहां पर लिखा कि आप लोगों को सीडी का क्या निकालना है, सीडी का आप लोगों को फोर बियरिंग निकालना है, आप लोगों को फोर बियरिंग ऑफ सीडी निकालना है। तो फोर बियरिंग ऑफ सीडी के लिए क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों को जरा फिगर को देखना। आपने क्या करा? बैक बियरिंग ऑफ दिस पता है, मेरे इस मार्कर को देखो, आप लोगों को बैक बियरिंग ऑफ बीसी पता है। इस बैक बियरिंग ऑफ बीसी में से अगर मैं टोटल प्यारे दोस्तों ये वाला पोर्शन, बाहर वाला डॉटेड पोर्शन को माइनस करता हूं तो पूरा एंगल आ रहा था सी। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, एंगल पूरे सी में से, एंगल सी में से अगर मैं 360 डिग्री में से ये वाला बाहर का पोर्शन माइनस कर देता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा। नहीं समझ आया? देखना अभी, नॉट वेल टू टीच एक्चुअली टूडे, दैट्स व्हाई बहुत दिमाग नहीं चल रहा मेरा। ऐसा देखना, लिख देता हूं मैं, फिर समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मैंने कहा यहां पर एंगल सी में से आप लोग
360 डिग्री माइनस में टोटल फोर बैक बियरिंग ऑफ बीसी माइनस बैक बियरिंग ऑफ बीसी अगर आप करते हो तो आपके पास फोर बियरिंग ऑफ सीडी आएगा। अब देखना आपके पास जो फिगर आ रहा था वो फिगर कैसा था, टोटल ये फिगर था। इस पूरे एंगल में से मैं यहां बना देता हूं, ये कुछ इस तरीके का था और आपको पता है कि ये है आपका बी, ये है आपका सी, ये है आपका डी, ये एंगल आपको पता है। इस पूरे एंगल में से अगर आप लोग बैक बियरिंग ऑफ बीसी का मतलब क्या है, बैक बियरिंग ऑफ बीसी का मतलब है आप लोगों का स्काई ब्लू पोर्शन। अगर आप लोग इस पूरे एंगल में से 360 में से अगर ये माइनस कर रहे हो, 360 में से अगर आप लोग ये माइनस कर रहे हो ब्लू पोर्शन, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास सिर्फ ये बच रहा है, आपके पास सिर्फ ये बच रहा है। और एंगल सी क्या है, एंगल सी है आप लोगों का ये पूरा, और इस पूरे में से जब ये माइनस करोगे तो आपके पास ये आएगा कि नहीं आएगा, थम्स अप करो जल्दी से, समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। सो अभी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, चले तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज आई विल गेट इट एज टोटल मेरे पास निकल कर आ रहा है फोर बियरिंग ऑफ सीडी 37 डिग्री 30 मिनट, ये आ रहे हैं ठीक है। तो बैक बियरिंग ऑफ सीडी आप लोग निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट में 180 डिग्री प्लस कर देता हूँ, when I will be going to solve it, I will get it as what 214 degree 30 minute, 214 degree 30 minute आपके पास आ गए। Now you can say that 214 degree 30 minute is what, 214 degree 30 minute is back bearing of CD. Now अभी क्या करना था अपने को, फोर बियरिंग ऑफ DE, ये क्या होगा एंगल D प्लस में बैक बियरिंग ऑफ CD, फॉर्मूला बनता जा रहा है अपने आप ही। तो अभी when I will be going to solve it, how will I solve it, 269.15 आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लेना, वैल्यू पुट करके आप लोग कर सकते हो है ना। तो बैक बियरिंग ऑफ डी ई कितना आ रहा है अपना, 180 माइनस कर देता हूं, तो 269 डिग्री 15 मिनट में से 180 डिग्री माइनस करा, मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है टोटल 89 डिग्री 15 मिनट, और ये क्या है, ये बैक बियरिंग ऑफ डी ई है। नाउ यू नो दैट फोर बियरिंग ऑफ, देख लो फोर बियरिंग ऑफ ई ए क्या होगा मुझे, फोर बियरिंग ऑफ ई ए इज एंगल ई प्लस में बैक बियरिंग ऑफ डी ई। सो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज व्हाट, अभी टोटल टोटल मेरे पास आ रहा है ई ए का 238.15 सॉल्व करने के बाद आ रहा है। सिमिलरली बैक बियरिंग कितना होगा ई ए का, तुम लोगों का बैक बियरिंग आ रहा है यहां से 180 माइनस करोगे ना तो 58 डिग्री 15 मिनट, अब तुमको निकालना आता है ये, तो तुम लोगों ने सारी बियरिंग निकाल ली, शुड बी चेक इट, सारी बियरिंग निकाली, कौन कौन सी आई मैं लिख देता हूँ, करेक्टेड वाली ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए आप लोगों के पास आ रहा था, और फोर बियरिंग कितना आ रहा था आप लोगों का करेक्टेड था, ये टोटल करेक्टेड आपके पास आ रहा था फोर बियरिंग 196 डिग्री 15 मिनट, उसके बाद आ रहा था 72 डिग्री 15 मिनट, उसके बाद आप लोगों का आ रहा था 37 डिग्री 30 मिनट, 269 डिग्री 15 मिनट, आफ्टर दैट यू आर गेटिंग इट एज 238 डिग्री 15 मिनट, और बैक बियरिंग कितना कितना आ रहा था आप लोगों का टोटल 16 डिग्री 15 मिनट, उसके बाद आप लोगों का आ रहा था 252 डिग्री 15 मिनट, उसके बाद आप लोगों का आ रहा था 217 डिग्री 30 मिनट, 89 डिग्री 15 मिनट, और उसके बाद आपके पास आ रहा था ये 58 डिग्री 15 मिनट। नाउ यू कैन से दैट हर किसी का डिफरेंस 180 डिग्री आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन और नॉट, सब खिचड़ी बन रहा है सर, अरे धर्मेंद्र हाउ कैन दिस बी पॉसिबल यार, सबको समझ में आया कि नहीं आया मुझे ये बताओ, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आया कि नहीं आया वैसे, अभी दोबारा सुनना। सबसे पहले आप लोगों को गिवन था, जो भी क्वेश्चन आपको गिवन था आपको पता था कि उस क्वेश्चन में कोई भी एंगल आपका 180 डिग्री नहीं शो कर रहा, यानी हर स्टेशन में एरर है। तो तुमने क्या करा, तुमने सबसे पहले हर स्टेशन के एरर को निकाल लिया, कितना कितना एरर आ रहा था निकाल लिया, कैसे, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के डिफरेंस को करके। एरर निकालने के बाद आप लोगों ने देखा कि सबसे कम एरर किस में आ रहा है,
आपने कहा सबसे कम एरर आ रहा था आपका एडी में, तो ये चीज तो पता है कि जिसमें सबसे कम एरर आता है वो सबसे ज्यादा जल्दी आसानी से सही हो सकता है। तो तुम्हें पता था कि चलो ये वाला सबसे जल्दी सही हो सकता है, लेकिन कैसे? तुम लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में देखना था कि यार इन बियरिंग्स की वजह से एंगल बनते हैं, तो मैं क्यों ना एंगल का सहारा लेकर चलूं। तो मैंने क्या करा, हर किसी के बीच का एंगल निकाल लिया। लास्ट में पांच एंगल निकाले, पांच एंगल को निकालने के बाद ऐड करा मैंने, तो वो 542 डिग्री 30 मिनट आ रहे थे। आने कितने चाहिए थे, 540 डिग्री। यानी एंगल्स में भी गलती है। और आपको एक चीज तो पता है कि एंगल कभी भी लोकल अट्रैक्शन से अफेक्ट नहीं करते। इट मींस कि आपका ये एंगल फ्री फ्रॉम लोकल अट्रैक्शन रहता है। अगर एंगल को करेक्ट कर देता हूं तो उसकी वजह से बियरिंग भी करेक्ट हो सकती है। तो मैंने क्या करा, जितना भी एरर था सभी एंगल में करेक्शन लगा दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर एंगल में जब करेक्शन लगाया तो करेक्शन लगाने के बाद मेरे पास सारे करेक्टेड एंगल्स आ गए। ये क्या है, ये सारे करेक्टेड एंगल्स हैं, करेक्टेड एंगल्स हैं। तो अभी आपको पता है इन करेक्टेड एंगल्स की मदद से मैं फॉर्मूला लगाकर अपनी फोर बियरिंग बैक बियरिंग को निकाल सकता हूं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले उस वाली लाइन को उठाऊंगा जिसमें कम एरर था, 1 डिग्री 30 मिनट का एरर आ रहा था एबी में, तो ये दोनों को डिस्ट्रीब्यूट इक्वली कर दिया। यानी 45 मिनट हर स्टेशन पे चला गया, ए और बी दोनों पर 45-45 का ऐड कर देता हूं एरर। तो मैंने कहा था मैं मान के चलता हूं कि स्टेशन ए से बियरिंग सही आ रही है, तो मैं उसी के सहारे अपनी सारी बातें करूंगा। मैंने एरर को ऐड करा, ये मेरे पास आया है, एंड आई हैव कंसीडर कि दिस इज करेक्ट। मैंने माना कि ये करेक्ट है, ठीक है भाई, किसी एक को तो करेक्ट मान के चलोगे ना, उसी के सहारे सारी चीजें करेक्शन पे चलेंगी। तो करेक्टेड फोर बियरिंग पता लगी, तो बैक बियरिंग भी पता लगी। और आपके पास फॉर्मूला होता है कि बैक बियरिंग में अगर मैं एक एंगल प्लस करता हूं तो अगली लाइन का फोर बियरिंग आता है। ठीक इसी तरीके से एक एक करके आपने सारी लाइन्स की फोर बियरिंग निकाल ली और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब समझ आया देवेश और धर्मेंद्र, जो भी क्वेश्चन में हमने करा, 30 नंबर का एसएससी का क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बताएंगे समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है। चलो अब मैं आप लोगों को कुछ गेट के क्वेश्चन करवा देता हूँ ना, जरूरी है, भागने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पहले कुछ गेट के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं मैं, तो फिर हम आगे चल रहे, ठीक है। अब बात आती है वो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ इस तरीके का गिवन है। पहला क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आप लोगों के पास, कुछ इस तरीके का गिवन है कि आपके पास 3 पॉइंट है। सर अगर यही स्टेप्स एसएससी जेन्स में करेंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे ना, ऑब्वियसली भाई यही स्टेप है और कुछ नहीं करना, कुछ छूटा थोड़ी है। पंकज पाल मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि ना एसएससी जेई मेंस को करने का कोई अलग से मेथड नहीं होता, एक ही चीज दिमाग में रखी जाती है कि जो आपका पेपर पढ़ रहा है उसको कुछ नहीं आता, और आपको इस तरह से लिख कर देना है कि उसको समझ में आ जाए, बस यही होता है, ठीक है। चले अभी बात आती है यहाँ पर कि आपके पास कुछ इस तरीके का ट्रावर्स दे रखा है, लोकल अट्रैक्शन एक बार लिखना, क्या निकालना बताइए, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर वो 180 डिग्री आ रहे हैं तो वहां लोकल अट्रैक्शन नहीं है, अगर 180 डिग्री से कुछ और आ रहा है तो वहां पे लोकल अट्रैक्शन है, बस यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन सुनते हैं, आपको बोला गया है आपके पास पॉइंट है पी क्यू और आर, आपको बोला गया है यहाँ पर कि ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है, गेट का क्वेश्चन है, आजकल एसएससी में आने के चांस बनते हैं इसके। इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 100 नॉर्थ एंड 200 ईस्ट, और यहाँ पर आपको गिवन है 1000 नॉर्थ एंड 1000 ईस्ट। अभी आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि लेंथ निकालनी है, चलो ये क्वेश्चन बाद में करते हैं, एक वैसे ही करवाते हैं, ट्रावर्स का क्वेश्चन है,
मैं बाद में कराता हूँ, एक क्वेश्चन वैसे ही कराता हूँ इसका, दूसरा क्वेश्चन है एक, ये ट्रावर्स का क्वेश्चन है, मैं बाद में कराता हूँ इसको। अभी आपको कहता है द ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी, एक लाइन है आपके पास, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओ ई आपको गिवन है 185 डिग्री। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट स्टेशन ओ हैव लोकल अट्रैक्शन ऑफ, ये स्टेशन ओ हैव लोकल अट्रैक्शन ऑफ, कितने का लोकल अट्रैक्शन आ रहा है इस पर, दैट इज 1.5 डिग्री का इस स्टेशन पर एक लोकल अट्रैक्शन आ रहा है। आपको बोला गया है ट्रू बियरिंग ऑफ ओबी कितना होगा, ट्रू बियरिंग ऑफ ओई कितना होगा इफ डिक्लाइनेशन इज, ये क्वेश्चन है आप लोगों के गेट का, इफ डिक्लाइनेशन इज व्हाट 3.5 डिग्री ईस्ट। सो ऑप्शन ए इज गिवन टू यू एज 180 डिग्री, 187 डिग्री। लोकल अट्रैक्शन एक बार निकालना क्या होता है बता चुका हूं ना वैसे देवेशी में, 190 डिग्री और 193 डिग्री। सॉल्व इट, आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम, या टाइम सॉल्व करेंगे। विकास का कहना ऑप्शन सी, और भी बच्चे निकालो फिर मैं बता देता हूं कैसे होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी, 187। धर्मेंद्र, शैलेश, अभिक शर्मा ए, विकास सी। ओके लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी बात आती है यहां से कि देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको पता है आपके पास एक लाइन है ओई और उसका मैग्नेटिक बियरिंग 185 है, लेकिन उसमें एरर है कितना, 1.5 का। तो करेक्शन करने के बाद आपको पता है कि करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग कितनी हो जाएगी, करेक्टेड मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ओई आपके पास आ जाएगा 185 डिग्री में से एक डिग्री माइनस कर देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 183.5 डिग्री, ये इतना आपके पास आ जाएगा। अब आपको एक चीज तो पता है कि आपके पास क्या है, डिक्लाइनेशन है 3.5 ईस्ट का, तो ईस्ट वाले का हम लोगों को पता है ट्रू बियरिंग माइनस मैग्नेटिक बियरिंग इज इक्वल टू डिक्लाइनेशन आता है ना, थीटा ईस्ट फॉर्मूला था। So I can write it as true bearing is equal to magnetic bearing plus 3.5 degree east. So when I will be going to solve it, I will get it as 187 degree. That is the correct answer. Got it? Next question करते हैं। तो question number 2 आप लोगों को कुछ इस तरीके का given है। ये सारे gate के question हैं, तो अच्छे question लगे थे इसलिए मैं ले आया आप लोगों के लिए। Question number 2 आपको कहता है कि the magnetic bearing of line BAB, magnetic bearing of line AB. आप लोगों को गिवन है ए बी का मैग्नेटिक बियरिंग आपको गिवन है नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट एक ए बी है, और आपको बोलता है वहां पर इन द ईयर 1967, दिस इज आल्सो प्रीवियस ईयर गेट। आगे आपको कहता है यहाँ पर जब डिक्लाइनेशन जो है, अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि डिक्लाइनेशन कितना है आपका 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट है डिक्लाइनेशन, तो आपको बोला गया है यहाँ पर उस टाइम पर इन ईयर 1967 डिक्लाइनेशन वॉज 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, नाउ प्रेजेंट डिक्लाइनेशन कितना है, प्रेजेंट डिक्लाइनेशन आप लोगों को गिवन है यहाँ पर 3 डिग्री वेस्ट। क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द होल सर्कल बियरिंग WCB ऑफ AB कितना होगा, ऑप्शन ए आपको बोला गया है 299 डिग्री 20 मिनट, ऑप्शन बी में आप लोगों को बोला गया है यहाँ पर 360 डिग्री 40 मिनट, ऑप्शन सी में 301 डिग्री 40 मिनट, ऑप्शन सी में आपको गिवन है 293 डिग्री 20 मिनट। सॉरी, हाँ प्रीवियस स्लाइड, एक लाइन थी उस टाइम पे उसकी मैग्नेटिक बियरिंग 59-30 थी नॉर्थ वेस्ट पे, और उस टाइम पे डिक्लाइनेशन 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट था, और अभी डिक्लाइनेशन 3 डिग्री वेस्ट है। So you are asking about कि उस लाइन का टोटल ट्रू बियरिंग कितना है, ये है ऑप्शन ए बी सी।
लास्ट स्लाइड. व्हाट लास्ट स्लाइड? यही तो है. ठीक है, सॉल्व करेंगे. धर्मेंद्र का कहना है 341. सॉल्व इट आफ्टर दैट आई विल टेल यू. चलिए मैं सॉल्व करवा दूं. छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ के चलते हैं. आपको बोला गया है ये आप लोगों का क्वाड्रेंट सिस्टम है कोई, और आपको पता है हमेशा क्वाड्रेंट सिस्टम में सबसे ऊपर से ट्रू बियरिंग चलता है. एक लाइन है आपके पास रिलेटेड विद द लाइन ए बी, एंड इस लाइन का जो मैग्नेटिक एक्सिस चल रहा है वो ऐसे है. दिस इज द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक बियरिंग वो आपको गिवन है. टोटल टोटल कितना मैग्नेटिक बियरिंग आप लोगों को गिवन है? नॉर्थ 59 डिग्री. क्वेश्चन में कितना था? नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट. यानी ये एंगल आप लोगों को गिवन है 59 डिग्री 30 मिनट, और नॉर्थ वेस्ट में तो चल ही रहे. अब बात को समझना, ये मैग्नेटिक बियरिंग है. और डिक्लाइनेशन आपको गिवन कितना था? 4 डिग्री. डिक्लाइनेशन आपको गिवन था 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट. वो पता है, यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ फिगर, बट यू हैव टू फाइंड, यू नीड टू फाइंड द ट्रू मेरिडियन. That is this angle you need to find, that is known to be as the true bearing. So true bearing कितना हो जाएगा? N 59 degree 30 minute west में से 4 degree 10 minute east minus कर देता हूँ. So I will get it as what? I will get it as N 55 degree 20 minute west. That is the true bearing. That is what? That is the true bearing. Now the condition is given to you as, present declination is 3 degree west. यानी magnetic axis change हो गया. Second condition पे जब आप आए हो यहाँ पर, ये आप लोगों की line तो यही है, True bearing ऐसे ही है, ये line AB है. और अभी magnetic axis ऐसे आ गया. तो आपको कह रहे declination क्या होता है? Magnetic bearing और इसके बीच का angle, that is 3 degree. तो आप लोगों ने क्या लिखा है यहाँ से? कि N 55 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में से 30 डिग्री माइनस कर देता हूं ना मैं यहां से, ना यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में. 30 मिनट तक ही 3 डिग्री माइनस कर देता हूं. देन आई विल गेट इट एज N 52 डिग्री 30 मिनट वेस्ट. अभी आपको पता है कि टोटल WCB निकालने के लिए क्या करने वाला हूं मैं, इसको 360 में से 52 डिग्री 30 मिनट माइनस कर देता हूं. मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा टोटल 360 डिग्री 40 मिनट. प्लीज थम्स अप करेंगे क्वेश्चन आया कि नहीं आया. क्लियर है? एक बड़ा क्वेश्चन दू करने के लिए, क्या करने के लिए अगर कहूं तो, अच्छा क्वेश्चन रहेगा जो भी मैं अभी दूंगा आप लोगों को. और कल की जो आपकी क्लास होगी, कल तो टेस्ट भी है, आप लोगों का क्विज है, कल की क्लास में अच्छा लेवलिंग शुरू कर देंगे. प्लीज टेल मी वेदर यू वांट अनदर बिग क्वेश्चन और नॉट. एक बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा रहेगा, करवा देते हैं. तुम लोगों का रिप्लाई नहीं आता यार, चलो करवाते हैं. बढ़िया क्वेश्चन है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन टू यू एस, आपके पास ए बी बी सी सी डी ए गिवन है, और ये गिवन है फोर बियरिंग आप लोगों को गिवन है यहाँ पर 126 डिग्री 45 मिनट. आगे के लिए आपको गिवन है 45 डिग्री 15 मिनट. आगे के लिए गिवन है 340 डिग्री 30 मिनट. आगे के लिए गिवन है 258 डिग्री 30 मिनट, और गिवन है 212 डिग्री 30 मिनट. दिस इज ऑल्सो गेट क्वेश्चन. बैक बियरिंग आपको गिवन है 308 डिग्री 0 मिनट. आगे आपको गिवन है 227 डिग्री 30 मिनट, 161 डिग्री 45 मिनट, 78 डिग्री 30 मिनट, एंड द अनदर वन इज 31 डिग्री 45 मिनट. नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट आफ्टर अप्लाइंग द कलेक्शन ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन, करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ बीसी क्या होगी? करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ बीसी कितनी होगी आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन?
वो कितना होगा? आई एम गिविंग यू ऑप्शन इज गिवन टू यू एज 48 डिग्री 15 मिनट, बी में आपको कहता है 50 डिग्री 15 मिनट, सी में आपको कहता है 49 डिग्री 45 मिनट, देन द ऑप्शन डी इज सेइंग टू यू दैट 48 डिग्री 45 मिनट। देख लीजिए, मतलब आपको लोकल अट्रैक्शन की करेक्शन अप्लाई करनी है और बीसी की फोर बियरिंग बतानी है वो कितनी है। जल्दी बताएंगे, नेक्स्ट स्लाइड क्या बताऊं, नेक्स्ट स्लाइड में तो बस यही क्वेश्चन है, आपको मेन यही चाहिए, नेक्स्ट स्लाइड में तो बस क्वेश्चन है, दैट इज ओनली द मेन थिंग। प्लीज टेल मी द आंसर। ऑप्शन नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। के बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द ट्रावर्स सर्वे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। 48 डिग्री 45 मिनट की तरफ ऑप्शन जा रहे हैं। धर्मेंद्र का सही आया, चेक करेंगे कि आया कि नहीं आया, वैसे मेरे अकॉर्डिंग सही चल रहा है। जल्दी सॉल्व करेंगे, बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग सॉल्व करने में, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। भाई देखो, अभी आंसर नहीं आया तो मैं कराऊं तो क्या कराऊं, मतलब कुछ तो अटेम्प्ट करो, गलत ही बताओ ताकि मैं सही भी कर सकूं। आंसर नहीं कर रहे, इट मींस कि यू आर अटेम्प्टिंग इट। मित्र चाह क्या रहे हो, सारे ऑप्शन बोल दो ना, ए बी सी डी। चले मैं बता देता हूँ, यू आर नॉट अटेम्प्टिंग इट, यानी ठीक नहीं पढ़ रहे, बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, अभी बात आती है यहाँ से, देखो सबसे पहले तो ना आपको ये कैसे पहचानना होता है कौन सा स्टेशन लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। भाई प्लस माइनस में बहुत टाइम लगता है, देखने से ही पता लग जाता है कि सबसे पहले मिनट वाले को देखो। देखो 45 में से जीरो ये तो हो ही नहीं सकता माइनस करने पे, 15-30 का डिफरेंस आ रहा है ये भी नहीं हो सकता, 30-45 का डिफरेंस आ रहा है मिनट में यानी 180 डिग्री तो आ ही नहीं सकता, लेकिन 30 और 30 का डिफरेंस आ रहा है। आप जब डी की तरफ देखो तो ये पूरा एकदम 180 डिग्री का डिफरेंस दे रहा है, यानी यू कैन से दैट यहां पर कि स्टेशन डी एंड ई जो है वो आप लोगों के लोकल अट्रैक्शन से फ्री है। ये चीज आप लोगों को समझ आ चुकी है, लोकल अट्रैक्शन से डी और ई बिल्कुल फ्री है, यानी एक चीज तो क्लियर है। अभी 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 बात को घुमाना मत, देखना तुम्हें पता है तुम्हें निकालना किसका है, तुम्हें बीसी का चाहिए तो तुम्हारे पास डी भी फ्री है ई भी फ्री है, तो जाहिर सी बात है तुम लोग कहां पर जाओगे, तुम लोग ऊपर की तरफ निकलोगे, यानी डी की हेल्प से सीडी को देखोगे। अच्छा सीडी में अगर डिफरेंस निकालना चाहो तो सीडी में कितना डिफरेंस आ रहा है आप लोगों का, सीडी का मुझे डिफरेंस बताएंगे जल्दी से। आपका डिफरेंस आ रहा है 178 डिग्री 45 मिनट का, दोनों का डिफरेंस।
तो एरर कितना आ रहा है? मैंने कहा आप लोगों का कि डिफरेंस इन सीडी कितना आ रहा है, वो आ रहा है 178 डिग्री 45 मिनट. सो यू कैन से दैट देयर इज एरर ऑफ -1 डिग्री 15 मिनट, सो इट विल बी गोइंग टू करेक्टेड. ओके, नाउ हैव कंसंट्रेशन, करेक्टेड बाय 1 डिग्री 15 मिनट प्लस में. नाउ यू नो दैट कि स्टेशन डी इज करेक्टेड. सो करेक्शन कहां लगने वाली है? ऑब्वियसली स्टेशन सी में. तो आई एम सेइंग दैट कि करेक्टेड स्टेशन सी बियरिंग कितना होगा, करेक्टेड फोर बियरिंग ऑफ सी डी कितना होगा. स्टेशन सी का जो बियरिंग था कितना था? 340 डिग्री 30 मिनट में, 1 डिग्री 15 मिनट ऐड कर दो, 340 डिग्री 30 मिनट में 1 डिग्री 15 मिनट ऐड करूंगा. After adding, I will get it as what? जल्दी मुझे बताएंगे. 341 डिग्री 15 मिनट. एक चीज क्लियर है, आप लोगों का टोटल स्टेशन सी पे 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन चल रहा है. स्टेशन सी पे 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन चल रहा है, यानी आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टेशन सी पे 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं. तो भैया स्टेशन सी से सीबी भी तो निकल रहा है, स्टेशन सी से सीबी भी तो निकल रहा है ना. इट इज गिवन टू मी, गिवन बैक बियरिंग कितनी है, गिवन बैक बियरिंग ऑफ बीसी कितना है, मतलब सीबी का बैक बियरिंग कितना आ रहा है आप लोगों का? 227 डिग्री 30 मिनट. 227 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सी से स्टार्ट हो रही है. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी, 227 डिग्री 30 मिनट सी से स्टार्ट हो रहा है और सी पे प्लस 1 डिग्री 15 मिनट का करेक्शन जा रहा है. तो मैंने क्या बोला, करेक्टेड बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी आप लोगों की, करेक्टेड बैक बियरिंग कितनी हो जाएगी आप लोगों की सीबी की, ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, 127 डिग्री 127 नहीं 227 डिग्री 30 मिनट में अगर आप लोग 1 डिग्री 15 मिनट ऐड करोगे 228 डिग्री 45 मिनट हो जाएगी. समझ आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है. अब तुमको पता है फोर बियरिंग कितना होगा, फिर फोर बियरिंग ऑफ बीसी कितना हो जाएगा, 228 डिग्री 45 मिनट में से 180 माइनस करो कि नहीं करो. अच्छा, अभी भी कंफ्यूजन आती है, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैलकुलेशन इट विल रिक्वायर सम टाइम. सबसे पहले मिनट को देख लो, मैं वैसे बता रहा हूँ, ये तो तुम कर लोगे, कई बार एग्जाम में एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है. तो आप लोग सबसे पहले मिनट को देख लो, मिनट से ऑप्शन मैच कर लो. अरे दो ऑप्शन तो कट ही गए, ये और ये तो हो ही नहीं सकता, 45 मिनट है ही नहीं. अभी तुम लोगों को समझ में आ चुका है कि 48 डिग्री 15 मिनट या 49 में से कौन सा सर लास्ट में 8 है या 0 है, यानी 48 डिग्री 45 मिनट आपका करेक्टेड. अच्छा, थम्स अप करना, समझ आया कि नहीं आया, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था एंड यू आर टेकिंग मच टाइम फॉर दिस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कम टू द ट्रावर्स सर्वे. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेडीज एंड जेंटलमैन व्हाट डू यू मीन बाय ट्रावर्स. ट्रावर्स इज नोन टू बी एज द फॉर्मवर्क ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स. ट्रावर्स इज नोन टू बी एज द फॉर्मवर्क ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स. नाउ हैव कंसेंट्रेशन. फॉर्मवर्क ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लाइन्स के आपस में आप लोगों ने कनेक्ट करे हैं, ये ऐसे ऐसे, और आप लोगों का ये जो फॉर्मवर्क बना है, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स का कनेक्शन बना है, दैट इज ट्रावर्स. ये ट्रावर्स ऐसा भी हो सकता है भाई, ये क्लोज है ना, एक एंड और स्टार्टिंग पॉइंट जहां सेम है तो उसको बोलते हैं क्लोज ट्रावर्स. अब ये डेफिनेशन नहीं लिख पा रहा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर लिख पाया तो. इसको क्या बोलते हैं? दैट इज ओपन ट्रावर्स, है ना भाई. एक है क्लोज ट्रावर्स, एक है ओपन ट्रावर्स. वन लाइनर है ना आपके पास, वन लाइनर है ना मेरा, जो सर्वे का ग्रुप में डाला होगा, आप लोगों के पास होना चाहिए. जिस बच्चे के पास वन लाइनर नहीं है, वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं ग्रुप में एड कर दूंगा आपको, और वन लाइनर में सारी चीजें, तो वन लाइनर से नोट्स मिल जाएगा आपको. दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दोस्त पेड वाले, ये फ्री में मिली हुई है वहां, तो उसमें सब कुछ है. ये तो क्लोज ट्रावर्स और ओपन ट्रावर्स. अच्छा, मैंने आप लोगों को थ्योरी बताई थी कि
ट्रावर्सिंग एक्चुअली में आप लोग चेन से, कंपास से, अलग अलग तरीकों से करते हैं, थियोडोलाइट से करते, पांच तरीके मैंने बताए थे। मेजरली चेन और कंपास की मदद से हम लोग पूरी ट्रावर्सिंग कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं चेन भी पढ़ चुका हूं, मैं कंपास भी पढ़ चुका हूं, तो मैं ट्रावर्स के बारे में पढ़ सकता हूं, इसलिए मैं ट्रावर्स अभी पढ़ा। ठीक है, अभी बात आती है यहां से प्यारे दोस्त कि इस ट्रावर्स सर्वे को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन चीजें डिस्कस करता हूं, मैं मतलब रिकॉल करवा रहा हूं। एक तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ बियरिंग। नाउ व्हाट इज बियरिंग? क्लॉकवाइज एंगल ऑफ एनी लाइन, ये लिखवा रखा है मैंने लेकिन रिकॉल करवा रहा हूं, ऑफ एनी लाइन बाय नॉर्थ या फिर फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ से किसी भी एंगल का, किसी भी लाइन का क्लॉकवाइज एंगल बियरिंग कहलाता है। Whenever we are talking about simple bearing word, it always means true bearing. हमेशा जब भी किसी bearing word के बारे में बात करी जाती है, it always means true bearing. Got it? और clear करना, तो true bearing समझ में आया? Length of the line can be measured by, length of line आप लोग किसकी मदद से measure कर सकते हैं? मैंने कहा चेन की मदद से जा सकता है, टेप की मदद से भी जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, जनरली चेन और टेप का यूज करते हैं। तो अभी बात को समझना, सपोज आई एम सेइंग दैट कि यू आर हैविंग वन लाइन दैट इज नोन टू बी एज एबी, आपके पास एक लाइन आया एबी, ठीक है, एंड दैट एबी लाइन, सॉरी एबी, इस तरीके से। अब आपको ना ये बोला जा रहा है यहां से कि यार इस एबी लाइन की टोटल लेंथ जो है वो है एल, और इस एबी लाइन का जो नॉर्थ से बियरिंग आ रहा है वो है थीटा। आप एक चीज तो जानते हो कि जितना भी ये सर्वे चलता है ना, जितना भी सर्वे चलता है, हर लाइन को सर्वे के अकॉर्डिंग हम इनफाइनाइट प्लेन में रिजॉल्व कर सकते हैं, जाहिर सी बात बोल रहा हूं। तो मैंने कहा कि आप इस एल लाइन को दो कंपोनेंट में एटलीस्ट रिजॉल्व कर सकते हो, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक है वर्टिकल कंपोनेंट। सो आई एम सेइंग दैट कि आप लोग जनरली अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हो तो आप लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या लिखने वाले हो, दैट इज नोन टू बी एज एल साइन थीटा, और अगर मैं किसी वर्टिकल कंपोनेंट को निकालता हूं तो थीटा इसके साथ में है, दैट वर्टिकल कंपोनेंट विल बी गिवन टू यू एज एल कॉस थीटा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी मेरे पास क्वेश्चन आता है कि मैं ये सब निकाल क्यों रहा हूं यार, मैं ये सब निकाल ही क्यों रहा हूं, ट्रावर्स मतलब एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा करी क्यों रहा हूं। कंसेंट्रेट करिएगा, आप लोग ना अगर एक मकान या एक सर्वे करते हो तो मैंने कहा कि सुपोज मेरे दिमाग को थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा और आपको समझ आएगी चीजें। मैंने कहा कि आप लोग लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके पास एक फील्ड है और आपके पास इस फील्ड के अंदर एक लाइन है टोटल ऐसी, दैट इज द लाइन ए बी। आई एम सेइंग दैट एक फील्ड है और उस फील्ड के अंदर एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ आपको पता है। सर आप लोग कभी प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदने वाले इतनी मतलब हद कर देते हैं कई बारी, आपको टोटल लेंथ ऑफ द प्लॉट बतानी होती है ना, टोटल मैक्सिमम लेंथ ये लिखा आता है, कभी प्लॉट का साइज पढ़ना। ये बिल्डर क्या करते हैं, ये बिल्डर एक्चुअली में यही करते हैं, टोटल लेंथ ऑफ द प्लॉट। अब तुम लोग प्लॉट खरीदने जा रहे हो, तुम्हारा मतलब एक एम है कि यार इतने में 50 मीटर तक का आ जाएगा काम है, लेकिन ये तुम्हें वैसी लेंथ नहीं बताते, ये तुम्हें डायगोनल वाली लेंथ बता देते हैं। सो डायगोनल लेंथ इज सोमवर्ट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल लेंथ एंड ओरिजिनल ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, बट इज एक्चुअली द लेंथ। गलत वो भी नहीं है, वो दिमाग का यूज करके खेल रहे, समझना मेरी चीज को। तो डिपार्चर सॉरी आपको करना क्या है, आप लोगों को ओरिजिनल लेंथ ऑफ द प्लॉट जो जनरल भाषा में आपके दिमाग में चल रही होती है वो या तो ये होती है या तो ये होती है, यही दो लेंथ होती है आप लोगों की प्लॉट की। लेकिन लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द प्लॉट आप लोग देखना, वो लिख के रखता है कभी, वो उसका वो होता है ना ब्रोशर, उसमें लिख के रखता है, वो हमेशा डायगनल लेंथ को बताएगा, तो सीधी लेंथ को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि डायगनल देख के बंदे अट्रैक्ट, तो इतना लंबा ये चीज।
तो देर इज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉर्नर साइड्स, और उन कॉर्नर साइड्स को हम लोग एल साइन थीटा और एल कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। तो टेक्निकल भाषा में जो हॉरिजॉन्टल कॉर्नर साइड होती है ना, जो ईस्टवर्ड्स और वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलती है, जो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड डायरेक्शन की तरफ चलती है, उसको टेक्निकल भाषा में बोला जाता है डिपार्चर, और जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ चलती है उसको बोला जाता है लेटीट्यूड। तो आप लोग कभी घर खरीदने जाओ ना, तो आप हमेशा लेंथ में मत बात करिएगा, आप लोग लेटीट्यूड और डिपार्चर में बात करिएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये होता है इसको पढ़ने का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं आप लोगों को बताऊं, हमारा वास्तुशास्त्र होता है, तो वास्तुशास्त्र में हर फील्ड का अलग इफेक्ट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द वास्तुशास्त्र दैट इज टोटली द साइंस, नथिंग एल्स, कोई पंडित वंडित का सीन नहीं है, दैट इज टोटली द सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग आप लोगों का कभी भी घर का दरवाजा साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होना चाहिए आपके घर के अंदर। अभी सुनना, नेगेटिविटी का साया हो जाता है। मैंने तो आपको कहा नेगेटिविटी का साया हो जाता है, अभी हमारी मेंटालिटी कुछ ऐसी है, सर क्या बात कर रहे हो, साया वाया तो समझ नहीं आ रहा, मतलब दिमाग में कुछ ढंग का नहीं जा रहा। एक्चुअली द मेन रीजन इज वाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द डोर्स इन द साउथ डायरेक्शन और साउथ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन, बिकॉज एक तो आपका सनलाइट कभी नहीं आ पाता घर के अंदर, एक मेन दरवाजे से सनलाइट आना बहुत जरूरी होता है। दूसरी चीज, ये तो कॉमन है, ये सबको पता है कि सूर्य की किरणें नहीं आती तो कीटाणु नहीं मरते, घर में सीलन आती है तो बदबू हो जाती है। लेकिन इससे भी बड़ा एक फैक्टर आता है, हमारी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना प्यारे दोस्तों, वो आपके घर के अंदर उल्टी डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रही है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपको पता है वो अर्थ के ऊपर कैसे चल रही है, वो अर्थ के ऊपर एक्चुअली में साउथ टू नॉर्थ चलती है। अर्थ के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ टू नॉर्थ चलती है, मेरी बात तो समझना। आपके घर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हुई आ रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है, और जिनको आप लोग कहते हो कॉस्मिक एनर्जी, मेरी बात को समझना। ये सब मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। तो वो कॉस्मिक एनर्जी आपके घर के अंदर जानी चाहिए, निकलनी नहीं चाहिए। अगर वो घर के अंदर कॉस्मिक एनर्जी जाती है तो तुम मेरी बात को समझना, दैट इज टोटली द फैक्ट कि आप लोगों के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है, आप लोग नेगेटिविटी में नहीं जाते हो, आप लोग पॉजिटिविटी में आते हो, ये फैक्ट है, मैं नहीं कह रहा, प्रूफ। आप लोग ये देखना, जैसे जहां ये संत रहते हैं, मैं आपको साइंस बता रहा हूं, मैं कोई टाइम पास नहीं, मेरे दो एग्जाम्पल भी है, दोनों एग्जाम्पल रिलेटेड है, दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे, ये सब प्रैक्टिकल सिचुएशन है। जहां ये संत रहते हैं ना, संत लोग क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, और देखिए आपको पता है ध्यान करने में शक्ति है, मेडिटेशन इज द पावरफुल की टू गेट सक्सेस, तो मेडिटेशन बहुत तगड़ी चीज होती है। और ये लोग क्या करते हैं, अपने पास कुछ तत्व रखते हैं, और वो तत्व ऐसे सिंपल तत्व नहीं होते, वो तत्व आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खींचने वाले होते हैं। ये जितने भी आपने देखे होंगे हमारे जो मंदिरों में, मतलब जो भगवान शिव के उपासक होते हैं या भगवान कृष्ण के जो संत होते हैं, ये अपने पास रखते हैं, और ये वो किसी को देते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि दे मेडिटेट, एंड जब भी वो मेडिटेट करते हैं वो अपने पास रखते हैं, वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को खींचते हैं। और आप कभी भी उन संत के पास जाना, यू विल फील समवट पॉजिटिविटी, ऑब्वियसली आप कभी संत के पास बैठना, यू विल फील पॉजिटिविटी, ऐसा लगता है कि उसकी बॉडी से कुछ तरंगे निकल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं कोई आप लोगों को ऐसा उस तरफ ट्रांसफर भी नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को फैक्ट बता रहा हूँ, ये होता है, ये अपने पास रखते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास से जो हवा गुजर रही है उसमें पॉजिटिविटी है। आप बैठना, बस बैठना और कुछ मत करना, उनमें होती है। वाई? क्योंकि वो लोग कॉस्मिक एनर्जीज को यूज करते हैं और अपने पास समा कर रखते हैं। तो यही एकमात्र रीजन है कि आप लोगों के घर से कॉस्मिक एनर्जी अगर निकल रही है, इट मींस आपके घर के अंदर नेगेटिविटी आ रही है। दैट्स व्हाई हम लोग साउथ डायरेक्शन में नहीं देते कभी, ठीक है। तो अभी वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग भी आप लोगों का टोटल लेटिट्यूड डिपार्चर बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कितनी विड्थ और कितनी लेंथ है, ताकि सनलाइट कॉस्मिक एनर्जी प्रॉपरली वे में आ रही है कि नहीं आ रही। दूसरी चीज,
एरिया वाइज भी बहुत जरूरी होती है ये चीजें, इसलिए ट्रावर्स सर्वे को बेसिकली पढ़ा जाता है। ठीक है, मैं नहीं पढ़ा रहा यार, क्या एसएससी का सब्जेक्ट थोड़ी है ये सब। इफ हाउस फ्रंट साउथ साइड डायरेक्शन तो मेन डोर किस साइड प्रोवाइड करेंगे, मैं समझा नहीं। हाँ बात आती है, अगर हाउस फ्रंट साइड साउथ साइड डायरेक्शन में है तो ऑब्वियसली उसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा, लेकिन कोशिश करना इफ यू कैन प्रोवाइड इट इन द ईस्ट ईस्ट एंड नॉर्थ के बीच में दे सको, मतलब बैक साइड बना देना, या तो दैट इज द बेस्ट रिजल्ट कि आप लोग उसको नॉर्थ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में दे सको, नहीं तो कोशिश करना कि आप उसको साउथ ईस्ट से भी ईस्टवर्ड की तरफ इंक्लाइंड करो, मतलब साउथ की तरफ मत जाना। साउथ सिर्फ देने का होता है और नॉर्थ लेने का होता है, साउथ देने का होता है नॉर्थ लेने का होता है, याद रखना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेस्ट होती है, ये बिल्कुल की है, ये तो मतलब रखना ही। अगर आपका फ्रंट साइड साउथ में है तो मजबूरी का नाम गांधी है, देना पड़ता है आजकल, वास्तु को कोई नहीं मानता, लेकिन मानना चाहिए। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मेरा विश्वास ये कहता है कि मैं अगर सिविल इंजीनियर को नहीं मानूंगा तो फिर मुझमें वो क्वालिटी नहीं आएगी। मैं तो यही कहूंगा कि मानो, दुनिया माने ना माने, बट मैं तो मानूंगा क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दोनों को मिलाकर वास्तुशास्त्र बनता है, टोटली साइंस। ठीक है, तुम लोग जानना, बड़ा प्यारा है वास्तुशास्त्र, मतलब सीरियसली बहुत अच्छा है वो उसमें। ठीक है, अभी आप लोग चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं ना। तो अभी मेरी बात आती है कि लेटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में तुम लोगों को चीजें क्लियर हुई थोड़ी बहुत। नाउ आपको यह भी पता लग चुका है कि हाउ विल यू कैलकुलेट द डिपार्चर, दैट इज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, एल साइन थीटा, लेटिट्यूड बोले तो एल कॉस थीटा। आगे की तरफ और आते हैं, नाउ बात आती है यहां पर कि आपके पास हर चीज का एक क्वाड्रेंट सिस्टम है। सपोज आई एम सेइंग दैट कि आपके पास एक क्लोज ट्रावर्स है, मेरी बात को क्लियर करना जरूरी है। आपके पास एक क्लोज ट्रावर्स है कुछ इस तरीके का, एंड यू आर स्टार्टिंग योर ट्रावर्स इन दिस डायरेक्शन एबीसीडी, आप लोग एबीसीडी की तरफ चल रहे हो। आपको पता है प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग यहां पर अपनी एबी की बियरिंग निकालते हो, अगर आप लोग अपनी एबी की बियरिंग निकालते हो, एबी का लेंथ है L1, L2, L3 एंड L4 एंड द बियरिंग इज थीटा 1, बियरिंग इज थीटा 1 एंड द बियरिंग ऑफ द बीसी इज थीटा 2, let it this be horizontal and this is theta 2, bearing of this is theta 3, ye pura ghum kar aa raha hai theta 3, and the bearing of this is pura ghum kar aa rahi hai theta 4। aapko ek cheez to samajh aa rahi hai yahan se, isko thoda sa ghuma deta hu zyada acha lagega। suppose ye aap logo ka east west axis aise ja raha hai, ye aap logo ka east west axis aise thoda sa matlab inclined kar lo, ye aap logo ka east west axis bana de। आप लोगों का यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट एक्सेस आ रहा है, आप लोगों का ये ईस्ट वेस्ट एक्सेस कैसे जा रहा है, यहाँ पर जो ईस्ट वेस्ट एक्सेस जा रहा है आप लोगों का, वो कुछ ऐसा जा रहा है, मतलब ईस्ट वेस्ट ऐसे एक्सेस है, एंड दिस इज योर ईस्ट वेस्ट एक्सेस ऐसे, और यहाँ पर भी ईस्ट वेस्ट एक्सेस ऐसे, और यहाँ पर भी ईस्ट वेस्ट एक्सेस ऐसे। अब बात को समझना जो मैं कहना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक चीज तो कह सकते हो यहाँ पर कि आप लोगों का जो ए बी है, थोड़ा सा क्लियर करना, समझने के बाद दिमाग में अपने आप आ जाएगा, बस क्लियर करना। लाइन ए बी जो है ये आप लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, लाइन बी सी जो है यू कैन से दैट कि दिस लाइन लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने कहा ये आप लोगों का सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लाइन सी डी ये आप लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और लाइन डी ए जो है ये आप लोगों का फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। यू कैन से दैट वेरी वेल, बट इट क्लोज ट्रावर्स है, क्लोज ट्रावर्स में ये हमेशा होगा। अब आप लोगों को एक चीज तो पता है कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द बियरिंग टर्म्स, तो आई कैन से दैट अगर मैं यहां से लेटिट्यूड की बात करता हूं, मेरी बात को ना समझना, आप लोग चीजें क्लियर रहेंगी, फिर तुम्हें रटने की बात नहीं पड़ेगी कभी भी। अगर आप लोग लेटिट्यूड की बात करते हैं तो लेटिट्यूड इज व्हाट, That is totally the L cos theta। आप एक चीज समझना यहां से, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अभी मुझे एक चीज और क्लियर हुई कि ये लेटिट्यूड जो होता है ये आप लोगों का टोटल वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, डिपार्चर आप लोगों का एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, ऐसा भी लिख सकता हूं। मैंने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों का टोटल टोटल प्यारे दोस्तों
क्या पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव होता है बट वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों चीजें आप लोगों की नेगेटिव रहती है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप लोगों का वाई एक्सिस तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है। अब मेरी बात को समझिए, आप लोग मोटा मोटी तौर पर ये तो कह सकते हो कि अगर आप किसी क्लोज ट्रावर्स की बात कर रहे हो, मैं मोटा मोटी कह रहा हूं मतलब ओवरव्यू टाइप का, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी क्लोज ट्रावर्स देन यू कैन से दैट कि दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, इफ यू आर गोइंग टू समिंग द पोल देन दे विल बी गोइंग टू बिकम जीरो, दे विल बी गोइंग टू बिकम जीरो। यानी आप लोग एक चीज तो कह रहे हो यहां से ओवरव्यू तौर पर, अभी मैं और डिटेल में आऊंगा, पहले लिख देता हूं। इन अ क्लोज ट्रावर्स, एक क्लोज ट्रावर्स के अंदर आप लोगों का हमेशा टोटल लेटीट्यूड का सम जीरो होना चाहिए, टोटल डिपार्चर का सम जीरो होना चाहिए। सर आई एम नॉट गेटिंग दिस, मैं समझ तो चुका हूं लेकिन वो डेप्थ में नहीं समझ आ रहा कि कोई डाउट ही ना निकले, वो चीज क्लियर करना। आपको पता है कि आपका लेटीट्यूड और आपके डिपार्चर के अंदर आपका एल और थीटा दोनों आ रहे हैं, आपके लेटीट्यूड और आपके डिपार्चर के अंदर। मैंने कहा लेटीट्यूड एंड डिपार्चर इज द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड थीटा, दोनों चीजों का फंक्शन है। ये चीज तो सर जब पॉसिबल है ना, जो आप कह रहे हो कि आप लोगों ने कहा टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव बराबर होगा तो माइनस होके जीरो बन जाएगा, या तो ये चीज हो कि ये लेंथ सारी इक्वल है। तो सर अगर लेंथ इक्वल है तो दिक्कत तो रहेगा, मेरा कहने का मतलब समझकर चलना, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव कब बनता है, थीटा के कारण बनता है। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा अलग अलग एंगल्स पर आकर पॉजिटिव और नेगेटिव कारण बनते हैं और उन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव कारण के कारण ये जीरो आता है। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, जो मैं कहना चाहता था, आई एम सेइंग दैट कि दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉस थीटा एंड साइन थीटा, दिस इज पॉसिबल, ये एरो डाल के लिखा मैं, ओनली ड्यू टू थीटा। यानी थीटा बोले तो वॉट, थीटा बोले तो बियरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बियरिंग के कारण पॉसिबल है। अगर बियरिंग ढंग की प्रेजेंट है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन द करेक्ट वे, मेरे शब्दों पर गौर देना, तो पॉसिबल है। बट आपको पता है कि ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन बियरिंग में एरर आता है, ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन बियरिंग में एरर आता है। नाउ मैं कह सकता हूं यहां पर, इफ everything is corrected, यानी bearing is free from local attraction, then it will be going to possible. But लिख लो, if bearings are free from local attraction, if bearings are free from local attraction, अगर ये bearing आप लोगों की local attraction से free है, तो आप लोगों का क्या होने वाला है, sigma L and sigma D will be equal to zero. L बोले तो latitude, D बोले तो departure. ये चीज तो पता है ना आपको, सिग्मा एल और सिग्मा डी आप लोगों का जीरो होने वाला है इफ देयर इज लोकल अट्रैक्शन, इफ देयर इज लोकल अट्रैक्शन। अगर वहां पर आप लोगों का लोकल अट्रैक्शन होता है तो क्या होगा, वहां पर सिग्मा एल इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिग्मा डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसको आप लोग कहते हो क्लोजिंग एरर। व्हाई इट इज कॉल्ड द क्लोजिंग एरर, बिकॉज क्लोज नहीं हो पा रहा, अगर क्लोज हो जाता तो जीरो होता ना, क्लोज नहीं हो पा रहा। अब समझना, जो भी बोल रहा, मैंने कहा एक आपके पास ट्रावर्स है और वो ट्रावर्स जो है प्यारे दोस्तों वो का कुछ इस तरीके से चल रहा है लेकिन ये क्लोज नहीं हो रहा, ए बी सी और डी, देयर इज क्लोजिंग एरर। नाउ हाउ कैन यू टेल मी देयर इज क्लोजिंग एरर, बिकॉज इट इज नॉट क्लोजिंग, ये बंद नहीं हो रहा, इसका मतलब इसमें क्लोजिंग एरर है। अच्छा, हाउ विल यू फाइंड द क्लोजिंग एरर, what is the closing error, actually the main thing is this, closing error is defined as the distance between the starting and ending point, distance between starting and ending point, ye kehlata hai closing error. sir kaise nikalunga, maine kaha e is equal to what, distance between starting and ending point, ek shuruaat aur last mein aap logo ka jo distance hota hai उसको बोला जाता है क्लोजिंग एरर। ठीक है,
एक क्वेश्चन है लेग, अब भेज दीजिए मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब ये निकालते कैसे, आपको पता है प्यारे दोस्तों यहां पर कि भाई जो भी ये एरर आ रहा है, जो भी ये एरर आ रहा है, सुबह जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, थोड़ा वर्टिकल है, देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए ज्यादा अच्छे से समझाता हूँ। मैंने कहा ये आपकी लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, आपकी लाइन जो है वो यहां से स्टार्ट हो रही है, और ये है ए, ये है बी, और ये आप लोगों का आ रहा है क्लोजिंग एरर। आपको एक चीज तो पता है कि ये जो क्लोजिंग एरर है इसके ना, इसके भी, मेरी बात को समझना, ये जो क्लोजिंग एरर है इसको अगर मैं रिजोल्व करूं तो इसके भी कहीं ना कहीं मेरे पास लेटिट्यूड और डिपार्चर आएंगे। अगर मैंने आपको कहा कि आप लोगों का ये टोटल ई आ रहा है, और ये जो लेटिट्यूड और डिपार्चर है, ये जो लाल वाला पोर्शन है, ये मेरे पास आ रहा है एल कॉस थीटा छोटा, और ये मेरे पास आ रहा है एल साइन थीटा, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू मैं एल कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसका पूरे का अगर मैं रूट कर देता हूं यहां से, तो मेरे पास एक क्लोजिंग एरर आएगा। अब तुम्हें थोड़ा सा समझ आया, लेकिन और समझना, अभी मुझे पता है ये एल कॉस थीटा एल साइन थीटा क्या है, ये एल कॉस थीटा क्या है, ये एल कॉस थीटा है कि जो टोटल टोटल आप लोगों का लेटिट्यूड का सम है ना, वो है एल कॉस थीटा। क्या बात कर रहे हो, मैं पहले लिखूं एक बार, सम ऑफ लेटिट्यूड है। सर कैसे, आपको पता था प्यारे दोस्त आपके चार लेटिट्यूड है। मैंने कहा सपोज एल वन कॉस थीटा वन, एल टू कॉस थीटा टू, L2 cos, L3 cos थीटा 3, और एक और मैंने लिख दिया चलो L4 cos थीटा 4। ये चार लाइन से बना हुआ ट्रावर्स था, चारों लाइन के मैंने ओरिजिनल ओरिजिनल लेटिट्यूड के फॉर्मूले लिख दिए, सबको सम करा, और मैंने कहा ये सम करने के बाद ना जीरो नहीं आ रहा, सम करने के बाद ये जीरो नहीं आ रहा। आप लोगों को एक चीज तो क्लियर है, सर जीरो नहीं आ रहा तो कुछ तो वैल्यू आ रही है ना, कुछ तो वैल्यू आ रही है, ये जो वो कुछ वैल्यू है ना, कुछ वैल्यू है, वो है एल कॉस थीटा। समझ आ गया, थम्स अप करना जल्दी से, समझ आ गया क्या, वो जो कुछ वैल्यू है वो है एल कॉस थीटा, तो मैंने इसको लिख दिया दैट इज द सम ऑफ लेटिट्यूड। सिमिलरली यू कैन राइट इट एज एल साइन थीटा आप लोगों का क्या है, मैंने कहा दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डिपार्चर, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ डिपार्चर। नाउ अकॉर्डिंग टू माई फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द एरर एज वेल एज यू कैन फाइंड द एंगल ऑफ एरर, मतलब कितने एंगल से डिफरेंस आ रहा है, उनके बीच में कितने एंगल का, मेरी बात को समझना भाई, तुम्हें पता ही है एरर है, तुम इस एरर को खत्म करना चाहते हो, तुम क्या करोगे, तुम ए पॉइंट और ये बी पॉइंट नहीं, इसको मैं कह लेता हूँ ई पॉइंट, इसको मैं कह लेता हूँ ई पॉइंट, ए पॉइंट और ई पॉइंट को अगर आपस में लाके मिला देते हो, एरर खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ना ट्रावर्स, तुम्हें पता है तुम इसको मिला नहीं सकते ऐसे। कैसे मिलाओगे सर, आपको मिलाने के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, आप ए और ई को शिफ्ट करो, उसकी लेंथ को छोटा करो, मतलब पास में लाओ, वो जो एरर है उसकी ये जितनी भी ई की लेंथ आ रही है उसको पास में लाओ तो ई की लेंथ खत्म हो जाएगी। साउंड गूंज रही है, रिफ्रेश करना यार, साउंड नहीं गूंजता है मेरा, ठीक आ रहा है, हेलो हेलो ठीक आ रहा है, गूंज रहा है साउंड, नहीं गूंज रहा ना, हाँ सही आ रहा है, मैं वही कह रहा हूं मेरा सही आ रहा है, रिफ्रेश कर लो, नेट प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। अभी मेरी बात को समझना, कॉमन सेंस लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं है ये, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ए और ई को मिलाना है तो तुम्हें मूव करना पड़ेगा। सर मूव करने का मतलब समझ रहे हो, आपको थोड़ा सा ए को और थोड़ा सा ई को मूव करना है, ये ए है ये ई है, ये ए है ये ई है, इनको हिलाने के लिए ना, ये देखो मेरे हाथ को देख, इसको और इसको दोनों को हिला रहे हो, ये लेंथ कम कर रहे हो, लेंथ के साथ साथ दोनों के एंगल को चेंज कर रहे हो, यानी दोनों को, अब इमेजिन कर लो दोनों को मिला रहे हो, ए बी और ई डी दोनों का एंगल भी चेंज हो रहा है, और दोनों को पास पास ला रहे हो, तो जाहिर सी बात है एंगल और लेंथ दोनों की चेंज हो रही है। तो मैंने फिर से कहा ये जो एरर है, इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम, बहुत जरूरी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये जो एरर है दैट एरर इज फंक्शन ऑफ, दैट एरर इज फंक्शन ऑफ लेंथ एंड थीटा। ये तो मैं वैसे भी लिखवा सकता था क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है, फॉर्मूले में आ रहा है, बात को समझना सर, लेंथ एंड एक्सटेंड हो रही है ना,
एक्सटेंड नहीं कर रहा है। एक्सटेंड करने का मतलब होता है कि आप लेंथ को बढ़ा रहे, नहीं एक्सटेंड नहीं कर रहे, आप सिर्फ उनको मिला रहे हो, एंगल चेंज करके मिला रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। आपको पता है मैंने बोला कि एंगल चेंज करके मिला रहे हो, यानी वहां पे कोई ना कोई एंगल का एरर था, उस एंगल के एरर को सही कर रहा हूं तो मिल रहा है, कोई डाउट तो नहीं ना। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अपने आप आ रहा है कि अगर वो लेंथ नहीं चेंज हो रहा, लेंथ नहीं चेंज हो रहा, अगर एंगल का एरर था तो कितना था, वो एरर का एंगल कितना था वो मुझे निकालना है। तो मैंने यहां पर लिखा प्यारे दोस्तों एंगल ऑफ एरर, एंगल ऑफ एरर आप लोगों को निकालना है तो वो कितना निकालूंगा। आपको पता है ना एल साइन थीटा, आपको पता है ना एल कॉस थीटा, आपका एल से एल कट गए, आप लोग लिख सकते हो एरर तो आपने निकाल लिया। एरर कैसे निकाला है, पीछे वाले फॉर्मूले से, इससे ही पता है, एल साइन थीटा पता है, एल कॉस थीटा पता है। मैं लिख सकता हूं यहां से tan थीटा इज इक्वल टू वी, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ई। जरूरी था थोड़ा सा ये बताना, अब तुम्हें बेसिक समझ में आ चुका है, रीजन समझ में आ चुका है, हम सब करना जरा सा समझ में आ गया कि नहीं आया, फिर एक दो क्वेश्चन करवाता हूं तो चीजें और क्लियर है। ओके, अब आ जाओ उस क्वेश्चन पे जो मैंने पहले छुड़वाया था। मैंने कहा यहां से क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, आपके पास है पी क्यू और आर, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू और ये है पॉइंट आर, ठीक है। पी क्यू और आर है आपके पास, पी है दैट इज 100 NN 200 East, और ये आर है दैट इज 1000 NN 1000 East है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर कि यू हैव टू फाइंड PQ एंड QR, आपको निकालना है लेंथ, आपको निकालनी है, और आपको बोला गया है कि इसकी जो बियरिंग आ रही है वो है 30 degree, और आपको बोला गया है QR इसकी जो बियरिंग आ रही है वो है 45 degree। हाउ विल यू सॉल्व इट, मैं करा देता हूं। एक चीज तो आपको पता है कि PQ और QR की बेयरिंग्स अपने आप अलग अलग निकलेंगी। अगर मैं यहां से कहता हूं प्यारे दोस्तों ये है मेरे पास क्या, ये है PQ का डिपार्चर, PQ का डिपार्चर मैंने कहा क्या, PQ का डिपार्चर मेरे पास आ रहा है येलो रंग से, और यहां से अगर आप देखो तो इसका भी तो निकल रहा है, ये है R तक का डिस्टेंस, ये क्या है QR का डिपार्चर। यानी आप एक चीज तो कह सकते हो कि आप लोगों का टोटल PR का डिपार्चर कितना होगा। मैंने कहा अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको तो ये पूरा लेंथ जो आपके पास बन रहा है ये आपके पास PR का डिपार्चर होगा। नाउ यू कैन से दैट कि डिपार्चर ऑफ PR इज इक्वल्स टू में डिपार्चर ऑफ PQ प्लस डिपार्चर ऑफ QR, यही बनेगा ना। अभी ये चीज तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। नाउ यू नो दैट लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर कि आप लोगों को टोटल ये पॉइंट गिवन है, डिपार्चर का मतलब आप लोग समझते हो ना ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन ना, डिपार्चर का मतलब समझते हो ना ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन। तो मैंने कहा कि डिपार्चर का मतलब ईस्ट और वेस्ट वाली डायरेक्शन, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मतलब सिर्फ इन दोनों को देखूंगा मैं बाद वाली को। मैंने कहा यहां से इस पॉइंट का ये वाला जो हिस्सा है ये 200 गिवन है, उसका 1000 गिवन है, तो मैंने लिख दिया कि 200 और 1000 के बीच का डिफरेंस कर देता हूं, यानी 800 आ जाएगा। और ये लेंथ मैंने क्या कही, लेट इट बी द लेंथ L1, लेट इट बी द लेंथ L2, मैंने यहां से लिखा L sin 30, यहां पर मैंने लिखा L sin 30 और यहां पर मैंने लिखा L2 sin 45। नाउ यू कैन से दैट देयर कैन बी द इक्वेशन 800 is equal to L1 sin 30 की वैल्यू होती है 21 by 2, L1 by 2 plus में L1 by root 2, L2 by root 2, एक equation बनकर आ। सेम चीज आप लैटिट्यूड के साथ भी लगा सकते हो, सेम चीज लैटिट्यूड के साथ लगा सकता हूँ, 1000 और 100 है, लैटिट्यूड के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर सेम चीज दूसरी इक्वेशन, 1000 में से 100 माइनस करा आपके पास आया यहाँ पर L1 cos 30 plus L2 cos 45। Now when we are going to solve it, I will get it as 200 is equal to my L1 root 3 L1 by 2 plus my L2 upon root 2. ये दूसरी equation. Sir, दो equation है, दो variable. By solving 1 and 2, I will get it as L1 is equal to कितना?
जल्दी मुझे बताएंगे, कैलकुलेटर होगा मैं आपको लगा रहा हूँ यहाँ से, 273.2, 273.2 मीटर एंड L2 विल बी इक्वल टू एस 938.1। ये तो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो एंगल इतने आसान देगा कि तुम सॉल्व कर लोगे। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया, थम्स अप करना जल्दी। कंसेप्ट आया कि नहीं आया जल्दी बताओ। ओके, एक क्वेश्चन दूं क्या, छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ट्रावर्स से रिलेटेड। आगे क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि लाइन पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी ये आपको गिवन है यहाँ पर, उसकी लेंथ कितनी है, ये यहाँ पर गिवन है आपको, लेंथ 200 मीटर का है, 1000 मीटर का, 907 का। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एक्स, और उसका बेयरिंग कितना गिवन है, बेयरिंग हमेशा WCB में चलता है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज। 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री और वाई। आपको बोला गया है कि एक्स एंड वाई कितना होगा, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन ए में आपको क्या है, 207 और 70। ऑप्शन बी में आपको बोला जा रहा है यहाँ पर 707 और 270। ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है 707 और 180। ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है यहाँ पर 907 और 270। एबीसीडी सॉलिड, कैलकुलेटर यूज करेंगे, यूज कैलकुलेटर, ठीक है। इसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर। अच्छा, उसके बाद ये बताना, एक चीज पूछूंगा वो बताना मुझे आप। Solve it, it is very easy. भाई आंसर नहीं आया अभी तक मेरे पास, समय ज्यादा ले रहे हैं। ऑप्शन डी दिशांत मुल्ला, नहीं गलत है। लेट मी सॉल्व इट और यू विल सॉल्व इट। ऑप्शन बी, हाँ पंकज ऑप्शन बी सही दिखा रहा है, सॉल्व करते हैं पता लग जाएगा। Let me solve this question. This is very easy and you are taking much time for this. अभी आपको एक चीज तो पता है, for error free. अगर मेरे पास ये error free है, तो एक term तो आता है कि sigma L 0 होना चाहिए और sigma D 0 होना चाहिए. Now I know that what is L1. L1 is 200, 1000, 907.
मैंने लिखा यहां पर 200 कॉस 0, 1000 कॉस कितना था 45 डिग्री प्लस 907 कॉस 180 लेट इट बी एक्स कॉस वाई डिग्री दैट शुड बी इक्वल टू 0. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट इज माय सेकंड इक्वेशन. दिस इज इक्वल टू 200 साइन. दिस इज इक्वल टू 200 साइन 0 प्लस 1000 साइन 45 एंड 907 कॉस 180 सॉरी साइन 180. नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन आई विल सॉल्व यू. मैं आपसे पहले सॉल्व करके दिखाऊंगा इधर ही बोर्ड पर जरा देखिएगा मेरे मेथड को वो जरूरी है. x एंड y इज इक्वल टू 0. सो मैंने यहां से सॉल्व करा. आपको पता है साइन 0 0 होता है 907 साइन 180 भी 0 होता है. आपको एक चीज तो पता है यहां से कि 1000 बटे में रूट 2 दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ x साइन y राइट ना. अभी आपको यहां पर भी सॉल्व करना है cos 0 1 होता है cos 180 माइनस 1 होता है. तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट तो मैंने यहां पर लिखा 200 माइनस 907 प्लस 1000 बटे रूट 2 प्लस x cos y इज इक्वल टू 0. नाउ आई कैन राइट इट एज यहां पर कि 1000 बटे रूट 2 माइनस में 760 इज इक्वल टू मैं माइनस ऑफ x cos y. नाउ दो इक्वेशन निकल कर आया अपने पास. एक इक्वेशन तो आया मेरे पास ये वाला, एक इक्वेशन आया मेरे पास ये वाला. दोनों को डिवाइड कर दो तो डिवाइड करने के बाद अपने पास क्या आ रहा है. व्हेन आई विल बी गोइंग टू डिवाइड इट आई विल गेट इट एज 10 बाय डिग्री इज इक्वल्स टू मे व्हाट इज इक्वल टू टोटल टोटल आ रहा है 707.1 अपॉन में 0.107. व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट आई विल गेट इट एज थीटा आ रहा है सॉल्व करने के बाद 270 डिग्री. थीटा आ रहा है 270 डिग्री. अभी कहीं भी पुट करो ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो. इस इक्वेशन में साइन 270 पुट करा तो साइन 270 माइनस 1 आता है. तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू साइन 270 देन एक्स का वैल्यू मेरे पास सॉल्व करने के बाद आ रहा है 707 मीटर. ओके अभी थम्स अप करिएगा जल्दी से समझ आया कि नहीं आया. ज्यादा ऑप्शन बी जा रहा था और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. थम्स अप करेगा अपन. समझ आया ना बढ़िया तरीके से. एक क्वेश्चन दू छोटा सा इसका आंसर जल्दी करिएगा पर एक लास्ट क्वेश्चन उसके बाद छोटी सी थ्योरी जल्दी से आंसर करिएगा. आपको बोला गया लेटिट्यूड कितना है आपके पास. एक लाइन है ए बी. लेटिट्यूड ऑफ ए बी आपको गिवन है यहाँ से 78. डिपार्चर ऑफ ए बी आपको गिवन है यहाँ से. ये एस एस सी जेई का क्वेश्चन है 2017 का ठीक है. 45.1 मीटर. होल सर्कल बियरिंग ऑफ ए बी कितना होगा. डब्ल्यू सी बी ऑफ ए बी कितना होगा. जल्दी सॉल्व करेंगे. You can use calculator. Use calculator. क्योंकि ये mains में आया हुआ question है. Use calculator. अरे बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग. It can be. मैं सॉल्व कर देता हूं. सबको पता है यहां पर व्हाट यू मीन बाय लेटिट्यूड दैट इज इक्वल टू एल कॉस थीटा 78 साइन थीटा इज इक्वल टू -45.1. सो आई कैन राइट इट एज कि टेन थीटा इज इक्वल टू मैं सॉल्व करने पर
-45.1/78 it is equal to when I will be going to solve it, I will get it as theta is equal to -30°. Now theta जब -30° है तो आप लोग लिख सकते हैं -30 तो negative side जा रहा है ना, यानी यहाँ पर है, ये है 30°. So whole circle bearing बोले तो 360 में से 30 minus कर देता हूँ, तो 330° आ रहा है. आप लोगों का सही आ रहा था, कोई problem नहीं है, यही एकमात्र concept है, ध्यान रखिएगा. अब मेरी बात आती है, छोटी सी बात है, उसके बाद में फिर कल ही पढ़ाऊंगा. एक छोटी सी बात लिख लो कि एरर कैन बी एलिमिनेटेड बाय 4 मेथड्स. आप लोगों के जो एरर आते हैं वो आप लोग 4 तरीके से निकाल सकते हैं. पहला आता है आपके पास बाउडिच रूल, दूसरा आपके पास आता है ट्रांजिट मेथड, तीसरा आपके पास आता है एक्सेस मेथड, एंड द फोर्थ वन इज नोन टू बी एज द आर्बिटरी मेथड. अभी आप लोग जो एक्सेस मेथड आता है इसको ग्राफिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. अभी एक एक करके एक सेंटेंस लिखूंगा, बाकी समझाऊंगा तो मैं कल ही. तो अभी मेरी बात आती है कि बाउडिच रूल कब यूज करते हैं, आई हैव टोल्ड यू कि ट्रावर्स सर्वे इज द फंक्शन ऑफ लेंथ एंड एंगल, यानी लीनियर और एंगल दो का फंक्शन है. तो मैं कहना चाहूंगा जब प्रिसीजन रिक्वायर्ड या फिर एक्यूरेसी, प्रिसीजन इन लीनियर एंड एंगुलर इज सेम, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट की जो प्रिसीजन होती है वो सेम होती है, तो आप लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है. अभी मेरे बात आता है कि ट्रांजिट रूल हम लोग कब यूज करते हैं, ट्रांजिट रूल हम लोग यूज करते हैं कि जब आप लोगों की प्रिसीजन होती है एंगुलर का वो लीनियर से ज्यादा होगा, मतलब एंगुलर जो है वो एरर फ्री कम होगा, लीनियर में एरर ज्यादा आ सकते हैं. प्रिसीजन एंगुलर का लीनियर से जब ज्यादा होगा जब यूज करा जाता है. So, उम्मीद मेरे प्यारे दोस्तों आपने सर्वेइंग का इंजीनियरिंग बहुत फन के साथ कंटेंट को गैदर किया होगा. जो नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी थी वो नॉलेज आप लोगों ने ली होगी, प्लस जो कंटेंट मैंने आपको लिखवाया है उसके नोट्स आप साथ के साथ बना रहे होंगे, ठीक है. बहुत जरूरी भी है, ये कंटेंट जनरली आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता क्योंकि ये सिर्फ हम अपने पेड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. तो समझिएगा जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं, बहुत जरूरी कंटेंट है. इसी तरह की नॉलेज के लिए मुझसे बने रहिए, मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर लो आज ही. वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर करना. पास्ट में देखा गया है SSC JEE के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा लेक्चर नंबर 3 को जिस तरह से लेक्चर नंबर 2 पढ़ा है, लेक्चर नंबर 1 पढ़ा है, लेक्चर 3 भी आपको दूंगा, ऐसे ही पढ़ते रहो. और इसी के साथ छोटी सी चीज और, मैंने आपको बताया था ना ये मेरा कोड है NG लाइफ, तो याद रखिएगा अगर मुझसे आप मेरे प्लस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली मुझसे सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये मेरा कोड है NG लाइफ. By using this code, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलता है ओवरऑल कॉस्ट पर, और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ जाते हो, ठीक है. तो काफी कुछ आप लोगों को मिलता है यहाँ पर. सो अभी के लिए थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी. जय हिंद जय भारत. हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सेवा करते रहो और मेवा पाते रहो, पढ़ते रहो. कहने का मतलब ये है. तो पेपर का लेवल टफ हो गया भैया, तैयारी भी जोरों शोरों से कर लो, एग्जाम टाइम चल रहे हैं, एग्जाम आने भी वाले हैं. कंसेप्ट को इसी तरह मेरे साथ बनकर क्लियर करते रहो और लाइक करते रहो वीडियो को, क्योंकि मुझे लाइक पसंद आते हैं और मुझे पता भी लगता है कि आप लोगों को किस तरह की नॉलेज मिल रही है, पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम भी उसी हिसाब से अपने लेक्चर आप लोगों तक डिलीवर करते रहे. तो ये बहुत जरूरी होता है. हो सके मेरी हेल्प करना चाहो तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ. बाकी अभी के लिए धन्यवाद.